मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को मशहूर होने का शौक़ है? ये सवाल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको पॉपुलर होने का शौक़ ना हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो ख़ानदान हो, चाहे वो ससुराल हो, या आपके इर्द गिर्द दोस्तों का ग्रुप हो। आप अलग अलग चीज़ों से मशहूर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में जीत के, अच्छी पढ़ाई करके, रिजल्ट अच्छे ला के, गाना गा के, कोई भी ऐसा टैलेंट जो आपके अंदर मौजूद है, दूसरों की हेल्प करके, दोस्तियां निभा के, दोस्तों के दोस्त बन के, कूल लग के, ज़रा अच्छा पहन ओढ़ के, आपके पॉपुलर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आपकी किसी भी एक डिफरेंट चीज़ की वजह से। फिर ख़ानदान में मशहूर होने की वजूहत भी बहुत सारी होती हैं, या तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आपकी कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है, आप बड़ा अच्छा करियर परसू कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कमा रहे हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं, अम्मा अब्बा के ताबेदार हैं, ख़ानदान में सबकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, खुश गुफ्तार हैं, कभी किसी को ज़रूरत होती है तो हमेशा आगे बढ़कर उसका हाथ थामते हैं, पैसे दे देते हैं, हेल्प करते हैं, किसी के भी इवेंट होता है, शादी ब्याह ये सारी चीज़ें, उसमें आपने पूरी बाग दौड़ संभाली होती है, यहाँ तक कि किसी का इंतकाल भी हो जाता है सो उसके लिए भी आपने तंबू आपने लगाना है, आपने ही सारी जिम्मेदारियाँ उठानी हैं। सो ख़ानदान में ऐसे मशहूर होते हैं। फिर आ गए हम मोहल्ले में। मोहल्ले में मशहूर होने की कुछ वजूहें हैं, या तो आप भाग भाग के सबके काम करते हैं, या आपकी कोई आँख मटक्का हो जाता है और वो कपल मशहूर हो जाता है, या आप कोई गुंडा बदमाश होते हैं जिनसे सब डरते हैं, उससे भी आप नेगेटिव तरीके से मशहूर हो जाते हैं, या कभी शराफत की वजह से भी आप मशहूर हो सकते हैं, सर झुका के आना जाना, आप कभी किसी बच्चे को मोहल्ले में पढ़ा देते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं, किसी बुज़ुर्ग के सामान को पकड़ के उसको ज़रा सड़क पार करा देते हैं, भाग भाग के दुकान से किसी की चीज़ ला के दे देते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं मोहल्ले में मशहूर होने के। ऑफिस कलीग्स, इन सब में मशहूर होने की ये वजूहत है कि आप बहुत मेहनती एक जो एम्प्लॉय हैं वो हैं, आपके ऊपर रिलाई कर सकता है दूसरा शख्स, आप अपने घर से बड़ा अच्छा खाना बनवा के लाते हैं और सबसे शेयर करते हैं, आप दोस्तों को बहुत ट्रीट्स देते हैं, आप दोस्तों को बहुत गिफ्ट्स देते हैं, और हर कोई आप पे ट्रस्ट कर सकता है, अपने दिल का हाल आपसे बयान कर सकता है, और बॉस की फेवरेट है तो भी आप पॉपुलर हो जाते हैं। सो ये है ऑफिस में मशहूर होने की जगह। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग मशहूर होना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है हम कुछ पढ़ लिख तो सके नहीं, अच्छा चलो टीवी पे आ जाते हैं। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है कि जिसने कुछ और नहीं किया, जिसको कुछ और नहीं आया, वो टीवी पे आ जाए तो वो मशहूर हो जाएगा। अरे चलो फलानी चीज़ का ऑडिशन देते हैं, अच्छा गाना आता है तो सोशल मीडिया पे डाल दिया, अगर आप टैलेंटेड हैं तो वाकई आप वायरल हो जाएंगे और आप मशहूर हो जाएंगे। आप अच्छी बातें बनाना जानते हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छे हैं, सो अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा आजकल के ज़माने में, तो आपका मोबाइल आपके हाथ में, आपने अपना ऑडिशन पूरी दुनिया को दिखा देना है। कहते हैं जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसको इंसानों को इज्जत देनी चाहिए, बजाय इसकी कि वो उसमें मीन मीठ निकाले, ये क्यों मशहूर है, ये क्यों मशहूर है, वो क्यों मशहूर है। हाँ, एक ज़माना होता था कि हमारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने बड़े 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 जूतियाँ चटकाई हैं, PTV के बाहर जाके खड़े रहे हैं, बड़ी मेहनतें करके जाके उन्होंने एक मुकाम बनाया, ना सब सोशल मीडिया था ना कुछ और था। लेकिन आजकल के नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, अगर वो खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, अगर वो टैलेंटेड हैं, अगर वो कॉन्फिडेंट हैं, अगर वो अच्छा गाते हैं, तो वो अपने प्लेटफॉर्म का, किसी भी प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। टैलेंट होगा, हुसन होगा, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप में अलग है, दूसरों से हटकर है, आप हो जाएंगे मशहूर। मशहूर होने में मेहनत का बहुत बड़ा अमल दखल होता है, लेकिन ये ना भूलिएगा कि मशहूर होने में लक का बहुत अमल दखल, सबसे ज़्यादा मेहनत से भी ज़्यादा
लक का अमल दखल भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े लकी हैं, आते हैं और छा जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मेहनती हैं जिनको मशहूर होने में बहुत टाइम देना पड़ता है। आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटीज से करा रही हूँ जो जिन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को दुनिया के आगे मनवाया और उस प्लेटफॉर्म की वजह से उन्हें कई ड्रामों में ऑफर्स हुई, कई शोज़ पे गेस्ट बुलाया गया, फिल्म्स में ऑफ़र हुई। सो वो आप उनका हुसन भी कह सकते हैं, उनका टैलेंट भी कह सकते हैं, उनकी लक भी कह सकते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ बुला के कि क्या वजह ऐसी है, क्या जितनी वो मशहूर यहाँ हम सब में हैं क्या उतनी ही मशहूर वो ख़ानदान में भी थी, क्या उतनी ही वो मशहूर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में भी थी, या अगर उन्होंने कहीं जॉब की हो, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानती। मेरे शो पे वो पहली दफ़ा यहाँ आएंगी और अलग अलग सवालात होंगे, अलग अलग जवाबात होंगे, वन टू वन इंटरव्यू करूँगी मैं उन लोगों के साथ और आपको बहुत सारी ऐसी बातें उनसे पूछ के बताऊँगी जो आप नहीं जानते। सो आइए, मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ 25 मिलियन फॉलोअर्स की टिकटॉक, समझ गए ना आप। देखिए ब्रेक के बाद कौन आता है मेरे पास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आप लोग समझ गए होंगे मैंने ये जो तमीज इतनी बांधी है ब्रेक पे जाने से पहले ही मैं किसको बुलाने जा रही हूँ। जी हाँ, आपकी फेवरेट जन्नत मिर्जा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब आ गए हैं, सिर्फ जन्नत रह गई थी। मैं भी आ गई हूँ, आपके पास बात नहीं हुई, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो आज मैंने ना दिल खोल के आपसे बात की। मैं भी आज आपके पास दिल खोल के बात करूँगी। आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ जी जन्नत, तो मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ कि भाई कैसे तुम, हम जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लोग पॉपुलर जो है ना वो एक लक लेकर आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो जन्नत जब छोटी थी उसने क्या सोचा हुआ था? उसको था कि मैं ख़ानदान में, होता है ना कभी कभार कुछ बच्चियाँ ख़ानदान में भी मशहूर होती हैं, स्कूल में भी मशहूर होती हैं। सो जन्नत के बारे में मुझे जानना है। मुझे बिल्कुल भी इधर नहीं आना था। असल में मेरे जो फादर है ना वो पुलिस ऑफिसर है। ओके। तो उनको देख के और जो उनके आप कह लेंगे अथॉरिटी उनके पास है अभी भी माशाल्लाह, गार्ड्स ड्राइवर ये वो मुलाजिम वगैरह सरकारी, तो वो देख के मुझे होता था कि मुझे ना अपना ये लाइफ स्टाइल जो है इसको आगे लेके जाना है। ओके। या तो मैं किसी पुलिस वाले से शादी करूंगी या मैं खुद बनूंगी। अच्छा, लेकिन अब्बा से इंस्पायर होकर तुम ये ख्वाब देखती थी कि मुझे इस तरह? बिल्कुल, मुझे अपने उस लाइफ स्टाइल को आगे कंटिन्यू करना था। लेकिन फिर ये टिकटॉक में वैसे ही शौकिया वीडियो बनाए। कैसे? जब तुम लाइक कितने साल पहले की बात है? आई गेस 3 साल हो गए, 4 साल हो गए होंगे। अच्छा। और मैंने बहुत शौक में नहीं बनाई थी, मेरी बहन अलिशवा है वो ना कैमरा लेके कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है, मैं कहती थी तुम पागल हो चुकी हो, पता नहीं तुम क्या। उस वक्त डब स्मैश कोई एप्लीकेशन था, हाँ, जिसमें पीछे गाना गाओ या कोई डायलॉग, ऐसी ऐसी आप लिप सिंक करते हो उस पे, लिप सिंक करते तो मैं उसे उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, क्या तुम बेवकूफ पागल ही हो तुम। तो एक दिन जन्नत, अलिशबा और तीसरी बहन का नाम है सहर, तो तीनों में से कौन बड़ी है? कौन सहर सबसे बड़ी है और वो कह लें कि वो सबसे छोटी लगती है। अच्छा, कहीं भी जाओ ना आप सबसे छोटी बहन है, कहती नहीं मैं सबसे बड़ी। उसकी वजह क्या है? उसके फीचर्स ऐसे हैं, काची भी होती है ऐसी ऐसी, वो स्लिम स्मार्ट सी है। अच्छा, अच्छा। तो आई एम द मिड वन और अलिशबा सबसे छोटी है। वो सबसे छोटी है। सो अलिशबा जो है वो डब स्मैश वगैरह मस्तियां कर रही थी, इधर जा रही उधर जा रही। हाँ, हम सारे घर वाले कहते थे पागल हो चुकी है और हमें पता भी नहीं था। फिर जब उसने मुझे बताया और मैंने वैसे ही शौक में उसके साथ एक वीडियो बनाई और हमने बंद कर दिया डब स्मैश वाली, हमने टिकटॉक बंद कर दिया, डब स्मैश बंद कर दिया। हम जापान गए, वहाँ पे गई थी कैसे? हम वहाँ पे जाते हैं हर साल, हम 6 महीने गुजारते हैं वहाँ, फैमिली है, मामू खाला, 6 महीने ननिहाल है पूरा, ऐसा ही है। ओ ग्रेट। तो उनके पास जाते हैं घूम फिरना, देन वहाँ जाके ना मैंने वापसी पे पाकिस्तान आते हुए वैसे एप्लीकेशन ओपन की और उस पर मिलियन में व्यूज थे और वो वायरल बहुत जा रही थी और कमेंट्स आ रहे थे और वीडियोस बनाए और बनाए। वहाँ से फिर मुझे हुआ कि नई लोग पसंद कर रहे हैं तो आई शुड मेक सम मोर वीडियोस। फिर मैंने और बनाना शुरू की और ऐसे फॉलोवर्स आते रहे, लोगों ने पसंद किया। अच्छा, वैसे जन्नत की अगर मैं पर्सनालिटी पूछती हूँ, शाय, बातूनी, लाइवली, किस तरह की पर्सनालिटी थी?
टिकटॉक पे आने से पहले मेरी अभी भी वही पर्सनैलिटी है, आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं अपने आप में रहती हूँ मैं। हाँ, अगर कहीं बाहर जाना है ना तो मुझे अपने आप को मेंटली तौर पे रेडी करके लेके जाना है कि जन्नत तुमने सबसे बात करनी है, तुमने अच्छे से हर चीज़ खुल के हर किसी से बात करनी है, ऐसे नहीं रहना, मतलब शायनेस आप में नहीं आनी चाहिए। तो और जब मैं बाहर से वापस मुझे आना होता है ना घर की तरफ, तो मैं कहती हूँ शुक्र है अब मैं चुपचाप बैठ सकती हूँ, रिलैक्स हो जाऊँ, असल में मैं हूँ, असल में आ सकती, यानी कि तुम थोड़ी कम हो। मतलब मुझे फिर लोग ऐसा समझते हैं अगर आप किसी से बात ना करो ना ठीक से, और आप बता नहीं सकते कि मेरे में इंट्रोवर्ट हूँ या मुझे सोशल एंजाइटी है, तो अगला बंदा आपको फिर रूट समझता है, इसमें ईगो है, ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन असल में मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ। बाकी दो बहनें और वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? जो सहर है वो तो आप कह लें कि आपसे 2-3 घंटे कंटिन्यूसली बात कर लेगी। अच्छा, वो बातूनी है? बातूनी है। और अलिश्वा जो है वो अपने मतलब से मतलब रखती है। अच्छा, उसके जिससे बन गई उसे वो बहुत बातें करेगी, लेकिन जिससे नहीं बनेगी उसे वो बस साइड पे कर देगी। अच्छा, मतलब अलिश्वा और सहर से ज्यादा जन्नत जो है वो इस फील्ड में ज्यादा आगे निकल गई, ऐसे कैसे हुआ? मुझे खुद तो नहीं पता। छोटी वाली थी तुम्हारी? आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। अलिश्वा के फॉलोअर्स मुझसे बहुत ज्यादा थे, और ट्रस्ट में वो मुझसे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो बहुत प्यारी है, सारी मैं प्यार हूँ, और उसकी एक्टिंग भी मुझसे बहुत बेहतर है। तुम्हारी अम्मी इतनी हसीन है ना, तो जब अम्मा का के फीचर्स होते हैं, मेरी मामा पठान है। अच्छा, तो उनके भी सीरियस फीचर्स उनसे भी लिए हैं। पापा मेरे मिर्जा मुगल हैं, अच्छा, मिर्जा बेग हैं, तो उधर से भी फीचर्स लिए हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। अक्सर घर में पता है क्या होता है, हमारे पंजाबी भी बोली जाती है, पापा उर्दू बोलते हैं, मामा अक्सर जब डांटना होता है ना तो पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, तो हमारी जो लैंग्वेज है ना वो दोनों तरफ से हमने ली हुई है, तो जब कहीं पंजाबी बोलनी हम पंजाबी बोल रहे होते हैं, जब उर्दू तो उर्दू बोल उर्दू बोल रहे, बड़ा मजे का माहौल बन जाता है। देखो जन्नत, कुछ भी है पाकिस्तान में जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक ऐसे घर से जहाँ शोबिज में कोई भी नहीं है, जाहिर है अबू पुलिस में है, अभी हाउसवाइफ है। हाँ जी, हाउसवाइफ। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लड़कियाँ आती आराम से आ नहीं जाती, तो तुम डेप स्मैश पे जा रही हो बहने, या वो तो अब्बा ने, घर वालों ने, किसी ने कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं, मना तो नहीं किया? क्या था शुरू में तो ऐसे ना कि हम अपने ही रूम में बैठ के एक लिमिटेड कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा, हम कुछ उसमें ऐसा नहीं कर रहे जिससे किसी और को प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा हो, तो अपने रूम में बैठ के अगर हम वीडियोस बना रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फैंस हैं मेरे ज्यादा, ट्रस्ट मी, जो इतने इतने से होते हैं ना वो ज्यादा फैन होते हैं। नहीं, छोटे छोटे बच्चों के अब्बा भी हैं? नहीं, वो भाई भी हैं, बहनें भी हैं, सारे हैं, लेकिन छोटे बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। तो एक लिमिटेड सा कंटेंट था, हमें अपने लिमिट्स पता हैं अभी भी, और हम उन्हें कभी क्रॉस नहीं करते, तो उसमें तो अब जैसे माशाल्लाह तुम लोग मशहूर हो गए इतने, और ड्रामों की भी ऑफर, फिल्म भी तुमने की, तो तब खानदान वाले होते ना कभी कभार, मतलब अम्मा के या अब्बू को बोलते हैं कि यार ये क्या? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ एक मज़े की बात। शुरू में हमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि ये टिकटॉक बना रहे हैं, जबकि ट्रस्ट में उनके अपने बच्चे भी बना रहे होते थे वीडियोस, और वो भी प्रॉपरली अपना कंटेंट बना रहे हैं, बोले लोग। हाँ, तो उसके बाद जब हमारे पास फेम आया तो लोगों की एक वो मेंटेलिटी बदल गई, जन्नत से कहो हम बच्चों ने आने पिक्चर्स दे रहे, जन्नत से कहो, तो वो मैं खुद हैरान होती थी, शादी पे जन्नत को जरूर लेकर आना है, बच्चों को जरूर लेकर आना है, तो वो फिर मैं कहती हूँ कि ये तो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना, कि जब फेम नहीं था तो आप कह रहे हो कि क्यों, और जब आया तो प्लीज प्लीज टाइम निकल। स्टैंड किसने लिया, अम्मी ने, अब्बू ने, बोथ ऑफ देम, दोनों ने? बहुत सपोर्टिव है मामा पापा, और वो इसीलिए है क्योंकि हमें अपने लिमिट्स पता है। तीन बहनें हो ना, तुम लोग भाई नहीं है ना? हमारा कोई भाई, कोई तो हम तीनों भाई हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब्बा की कैसी नेचर है, सख्त मिजाज है या पुलिस वाले थोड़े से होते हैं? बाहर जाते हैं तो बहुत सख्त मिजाज है, ऑब्वियसली होना पड़ता है, पुलिस वाले हैं, लेकिन हमारे साथ तो दोस्तों से भी बढ़। अच्छा, वैसे एक बात ये है कि अब्बा पुलिस में, सबको पता है, तो इसलिए कोई उल्टा पुल्टा तंग भी नहीं करता होगा तुम लोगों को डर के मारे? नहीं, वैसे भी नहीं करता। अच्छा, अब ये बात भी मैं आपको बताऊं कि अलिश्वा सहर मुझे कहती है जो जन्नत है ना वो हमारे घर में हमारा भाई है। अच्छा, कोई इतना सा भी कोई देखेगा या पंगा लेगा ना, मैं कहती हूँ हाँ भाई क्या मसला है, मेरे से बात कर, क्या मसला है? तो वो कहते हैं ये है ना, ये भाई अल्लाह ने हमें दिया है। ओए होए। सो तुम जैसे लाइक टिकटॉक पे आने से पहले, माशाल्लाह देखो ना, अब टिकटॉकर्स भी जो हैं वो बहुत सारे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और जाहिर है एक समझो एक और राह खुली है उनके लिए जितनी महंगाई के दौर में। तुम टिकटॉक पे आने से पहले ही वेल सेटल्ड हो माशाल्लाह से, तो तुमने कभी सोचा था कि मैं क्या जॉब करूँगी? जैसे लड़कियों के कोई ख्वाब होते ना, मैंने ये करना है, ये जॉब करनी है, फलानी चीज़ पढ़नी है, तो जन्नत क्या सोचती थी? पुलिस ऑफिसर, पुलिस करना था मुझे, और मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था।
अच्छा। लेकिन फिर इधर अभी भी मेरा ये है जहन कि अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है अभी, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे सीएसएस कर लेना क्या चाहिए। क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? फैशन डिजाइनिंग कर। अच्छा अच्छा। अब मेरा थीसिस है, एक महीने बाद फिर ग्रेजुएट हो जाऊंगी, फिर मैं सोच रही हूँ कि इस साइड पे ना जरा सीएसएस या पुलिस या कोई ऐसा फोर्सेस में मैं जाऊँ। मेरा ये दिन हमने देखा है, तो मैं नोट किया कि कपड़ों का अच्छा सेंस है, मेकअप, बाल, मतलब वो चीप नहीं होते मेकअप वेकअप। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना फेम लेने के लिए कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि आप इन चीज़ों से फेमस नहीं होने लगे। हाँ, जो आप ये वल्गैरिटी या कुछ इस तरह की गलत चीज़ें कर रहे हो या कंटेंट ऐसा बना रहे हो उसमें डायलॉग्स, लोग ना पसंद करते हैं डिसेंट कंटेंट आप दो। अच्छा दो, फैमिली कंटेंट दो जो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सको। तो ये उल्टी पुल्टी हरकतें करने से आपको कोई फेम नहीं मिलता। आप अपना डिसेंट कॉन्टेंट बनाओ, लोग पसंद करते हैं। अच्छा तुम्हें अगर मैं देखूँ तो तुम ब्राइडल शूट्स काफ़ी कर रही होती हो, फिर तुमने सैयद मुंह की फिल्म में भी काम किया। सो उस सारे प्रोसेस के बारे में बताओ कि ब्राइडल शूट्स की ऑफ़र आती थी कैसे, आती थी एक्सेप्ट कितने दिनों में किया, और फिल्म की ऑफ़र के बारे में भी बताओ। फिल्म से शुरू करते हैं। नूर अंकल जो थे उनके मैनेजर की मुझे कॉल आई थी, अज़र की। उन्होंने टिकटॉक पे देखा था? टिकटॉक पे देखा था। अच्छा। तो उस वक्त मैं आपके लिए एकदम से मुझे बहुत फेम मिला था, फॉलोवर्स एकदम से बहुत बढ़ रहे थे। तो उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैं सैयद नूर का मैनेजर बात करूँ। सच बताऊँगी, नूर अंकल से कोई ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं पता था नूर अंकल कौन है। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन है। उन्होंने सैयद नूर अंकल को कॉल दी, फ़ोन दिया, उन्होंने मेरी जब बात की कहते मैं सैयद नूर बात कर रहा हूँ, जानती हो मुझे? मैंने कहा मैं नहीं जानती। कहते अच्छा पहले गूगल पे जाओ सर्च करो फिर मुझे कॉल करो। मैं गई, जब मैंने सर्च किया मैंने मामा पापा से पूछा, मैंने कहा ये ऐसे ही है? मामा कहते हैं हाँ है। फिर मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आपका, लेकिन अब मुझे पता चल गया। तो ड्रामे फिल्में मिल में नहीं देखती थी इतनी लाइक साइड फिल्म नहीं देखी ना पाकिस्तानी फिल्म, पुरानी उन्होंने की भी है ज्यादा, अब जो नई आ रही वो तो हम सब देखते हैं, लेकिन जो पहले जो साइमा जी के साथ उनकी थी वो इतनी नहीं देखी। मशहूर चूड़ियाँ जो है, चूड़ियाँ जीवा, ये जब मैंने देखा ना सैयद, जब मैंने नाम निकाला फिर मैंने मूवीज मैंने कहा मुझे देखनी है। और फिर उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम फिल्म बना रहे हैं, हम आपके साथ करना चाहते हैं। तो मैं मुझे पता था कि घर वाले नहीं मानेंगे, मामा पापा ने नहीं माना, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि आप घर में बना रहे हो वीडियोस वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाहर निकलना इतने लोगों में वो डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने कहा कि पापा मामा नहीं मान रहे, मैंने पूछ भी लिया। कहते अच्छा नहीं मान रहे, मेरी बात करवाओ। मैंने बात करवाई, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हम नहीं ऐसे कर सकते ना। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे कॉल की, कहते मैं और साइमा जी आपके घर आ रहे हैं आपके मामा पापा से मिलने। वो फिर आए, आके उन्होंने बात की, सारी पूरी टीम उनकी आई थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे समझें कि जन्नत मेरी अपनी बेटी है, और इसमें फिल्म में ना डांस होगा ना कोई ऐसा सीन होगा जिससे आपको कोई मसला हो, और जैसे मैं अपनी बेटी से जैसे काम करवाते हैं वैसे मैं करवाऊंगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। तब जाके मामा पापा कन्विंस हुए। बहुत लंबी स्टोरी थी, और फिर मैं गई हूँ काम की, और बाकी नूर अंकल इज लाइक अ फादर टू मी। साइमा जी उन्होंने इतना गाइड किया मुझे, जन्नत यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे ये आप एक्सप्रेशन दो। तो तब मिलजुल कर वो फिर बाहर आई थी। अच्छा फिर अब जाहिर है तुमने फिल्म कर ली तो ड्रामों की ऑफर्स भी आ रही होंगी। yes. एक ना इतनी फॉलोइंग टिकटॉक पे, सो फिर तुम कौन कौन से ड्रामे की ऑफर आई पहले तो ये बताओ, और रिग्रेट करती हो कौन कौन सा छोड़ा? करती हूं, बहुत करती हूं। असल में ना हमारा जापान का बीच में स्पेल आता है 6 महीने का, तो हर साल जाना होता है। ऐसा क्यों? बस वहाँ पे बचपन से रूल बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है। अब आई गेस 7वां साल है जब हमने जाना है। हाँ। तो 6 साल से हम जा ही रहे हैं, अभी हमने तो सब जाते हैं, अब्बू भी जाते हैं, पापा नहीं जाते। मामा और हम तीनों बहने जाते हैं, वहाँ खाला होती है, मामू होते हैं, कजन होते हैं, बहुत मजा आता है। तो क्या बात कर रहे थे हम, ये बताई थी कि 6 महीने साल में मैं जापान में, आधा साल उधर आधा साल पाकिस्तान। तो जब जब मुझे ऑफर ड्रामास की आती थी अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ होती थी। मुझे परिजात ऑफर हुआ था। परिजात में कौन सा कैरेक्टर? उष्णा शाह ने जो कैरेक्टर किया था वो ऑफर हुआ था मुझे। हम कहाँ के सच्चे हैं में जो कुबरा खान ने कैरेक्टर किया था वो भी ऑफर हुआ मायरा के साथ और कुबरा। जी जी। तो लेकिन मैं जापान में थी और वो कह रहे थे यहाँ पे आपको आके मिलना पड़ेगा, और मैं वापस भी नहीं आ सकती थी। कोविड भी आप कह लें कि उस टाइम बहुत पीक पे था। हाँ। तो आना जाना बहुत मुश्किल था। तो वो अभी भी मुझे होता है कि काश मैं यहाँ पाकिस्तान में होती तो कैरेक्टर्स इतने अच्छे थे और स्टोरी लाइन बहुत, स्क्रिप्ट बहुत मजे का था। ट्रस्ट में मेरे पास ऐसे स्क्रिप्ट होता था और मुझे पता था जब ड्रामे में ये होगा
तो होता था, रिग्रेट होता था, लेकिन ये कि अब मैं वेट कर रही हूँ कि कोई बहुत मजे की स्क्रिप्ट आए जो मैं करूँ। और अब तुमने माइंड बनाया है अपना? मैंने माइंड बनाया और मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ऐसा करेक्टर करूँगी जैसे आपने जब वी मेट में गीत का देखा होगा, वैसा करेक्टर मैं चाह रही हूँ कि वहाँ से मैं अपना ड्रामा इंडस्ट्री में डेब्यू दूँ। हाँ हाँ, सो अब फर्ज करो कि अब तुम्हें ड्रामे की ऑफर आती है तो तुम जापान से आ जाओगी वापस? मैं आ जाऊंगी, अब मुझे पछताना नहीं है, अब मुझे जो करना है, जो अच्छी चीज है वो मैंने करनी है, उसको उसके लिए वेट नहीं करना। अच्छा, अभी तुम लाहौर में रहती हो? फैसलाबाद में रहती हो। सो अब जैसे ड्रामा कराची में हो रहा है, सो अब वो आपको पता है ज्यादा कराची में ही ड्रामे बनते हैं, यहाँ इस्लामाबाद में आजकल बनना शुरू हुए हैं ज्यादा। सो अब अगर तुम्हें वो कहेंगे कि ड्रामे के लिए यहाँ आना पड़ेगा तो 2-3 महीने भी लगते हैं, फिर क्या करोगी? ये बहुत बड़ा मसला है, पता है, मैं अपनी मामा के बगैर कहीं नहीं जाती। आपने देखा होगा मामा हर वक्त साथ होती है कहीं भी, इवन कि आप इवेंट पे जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, मामा के बगैर आई कैन नॉट गो एनीवेयर। तो मसला यहाँ पे आता है कि मामा मेरे साथ 3 से 6 महीने कैसे कराची में रहेंगे, और वहाँ पे बहनें भी हैं, पापा भी हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मसला आता है, बट आई कैन वर्क ऑन दैट। क्योंकि फैसलाबाद में तो प्रोडक्शंस नहीं हो रही? नहीं नहीं, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, लाहौर में है या इस्लामाबाद में हो रही है या लाहौर में हो रही है या सारे कराची के हमारे हैं ना, लाहौर इस्लामाबाद में। तो तुमने ये सोचा कि अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तुम कोई ना कोई उसका हल निकाल लूंगी? आई वांट टू वर्क इन ड्रामा। शौक है तुम्हें? अब है, अब हो गया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डू वेरी वेल इन दिस इंडस्ट्री, आई कैन डू अ लॉट फॉर दिस इंडस्ट्री। हाँ, एक्टिंग का भी शौक है। अभी तो वेब सीरीज कर रही हो कोई, या मैंने बताना नहीं था? अभी 50-50 है, स्क्रिप्ट पे जरा काम हो रहा है। अच्छा, तो अभी तुमने शुरू नहीं किया? अभी शुरू नहीं किया। हाँ, लेकिन ये कि म्यूजिक वीडियोस में कर रही हूँ, वो मैंने शायरे किया था, वो इंडिया तक वायरल हुआ था। हाँ, और अभी इंडिया में, क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम का ऐसा एल्गोरिथम है कि आप उसमें जो वीडियोस बनाते हो वो इंडिया में भी जा रही हैं, तो मुझे अक्सर ऐसे इंडिया से मैसेजेस आते हैं कि मैं कहती हूँ आपको मेरा कैसे पता? वो कहते हैं आपकी रील्स जो है वो इंडिया में बहुत चल रही है, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, और वहाँ से मुझे सॉन्ग की ऑफर भी आई है। अच्छा, अच्छा, इंडियन सिंगर के साथ। तो जो मॉडलिंग करती हो ब्राइडल शूट, वो तुम्हें ट्रैवल करना होता तो तुम ट्रैवल कर लेती हो? वो ज्यादा आपको पता है पंजाब वाली साइड में होते हैं, कराची में इतने नहीं होते। हाँ, तो वहाँ पे मामा साथ। और जैसे तुमने जाहिर है कि कहीं इनॉग्रेशन पे जाना है, वो इस तरह की चीजें भी तो बहुत, जो टिकटॉकर्स हैं वो अर्निंग एक्चुअली उनकी यही है ना कि उनको कोई फीता काटने के लिए बुला रहा है, कहीं बुला रहा है। अब हमारे पास ऑडियंस बहुत ज्यादा है, काफी लोगों को इस चीज से मसला भी बहुत है कि हमारे पास फेम बहुत ज्यादा है, हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं वो बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, फॉलोइंग हमारे पास है, तो लोग फिर अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए ऑब्वियसली उनको देखेंगे ना जिनके पास ऑडियंस, एक्टिव ऑडियंस कितनी ज्यादा। अच्छा देखो, यंग एज में फेम मिलता है तो कभी कभार होता है ना कि इंसान संभाल नहीं पाता, कभी तुम्हारे घर पे ऐसा अम्मी अब्बू ने डांटा के जो होगी ना तुम सुपरस्टार होगी ना घर में, बोलो तुम जन्नत। बहुत दफे ऐसे हुए। हाँ, अक्सर ना मैं जब सोचती थी कि मैं बाहर फेमस हूँ, मेरे घर वाले इज्जत क्यों नहीं करते, मेरी बहनें क्यों नहीं इज्जत करती, तो मेरे कजन्स भी मुझे कहते थे तुम जन्नत में जाओगी दुनिया के लिए, हमारे लिए तो वही जन्नत है। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं खुश हूँ, घर में कोई इज्जत नहीं है मेरी, घर में कोई इज्जत नहीं है, वो मेरी बहनें मुझे डांट भी रही हैं, अक्सर गुस्से में मार भी देती हैं, मतलब एज इन मारना नहीं, मतलब बहनों में चलता है, इधर चलते फिरते लगा देनी, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के एक दूसरे से लड़ना, तुमने मेरी शर्ट, एक शर्ट के पीछे भी हम अक्सर ऐसा लड़ते हैं। अरे हम लोग बराबर बराबर ही हो तो एक दूसरे के कपड़े तो आराम से शेयर करते हैं। हम लोग कहते हैं मैं एक दफा नए कपड़े पहन लूं, दूसरी दफा तुम पहन ले, और अगर कोई पहली दफा मेरी नई शर्ट पहन ले तो फिर मैं कहती हूँ उतारो इसको, अभी उतारो। तो कोई किस्सा ऐसा हो तुम्हारी फिल्म की कंटिन्यूटी है या कोई ऐसी चीज, और तुम्हारी बहन पहन के चली गई हो और तुम ढूंढ रही हो अपने कपड़े? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ था एक दफा ना, मैंने एक सॉन्ग किया था और उसमें जो मैंने ड्रेस पहना था ना वो मेन ड्रेस, उस सॉन्ग का आप कह लें कि मेन जो कैरेक्टर जो मैं बनी थी वो उसमें था। अच्छा अच्छा, अब मैंने वो कहा, मैं घर आई, मैंने कहा अच्छा ये वाला किसी ने नहीं पहनना, ये मेरा सॉन्ग आएगा उसके बाद पहन लेना। मैंने 2 दिन बाद देखा मेरी बहन वो ड्रेस पहन के टिकटॉक पे वीडियोस बना रही है। मैंने कहा लिशी तू पागल है, उतार इसको, कोई अपलोड नहीं करनी, और वो अपलोड कर चुकी थी। फिर मैंने उसे डिलीट करवाई, उससे मामा से मैंने कहा मामा सेकंड डिलीट करे, वो कहे मैंने नहीं करनी, जो करना है तुम करो। मैंने कहा मैं भी फिर यहाँ हूँ, तू भी यहाँ है, तो डिलीट करेगी तो मैं जाऊंगी। फिर उसने कर दी थी मामा के समझाने से। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद बहुत सारे सवाल जन्नत से होंगे, और अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें SMS करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं जन्नत मिर्ज़ा और इनसे हम कर रहे हैं इनकी दिल की बातें, आप हमारी दिल की बातें जो हमने इनसे सवाल करने। अच्छा जन्नत, बचपन में कैसी बच्ची थी? मोटी थी, खाने वाली थी, शरारती थी? अम्मा ने क्या सुनाई तुम्हारे बारे में? ये ना पूछे मुझसे, मैं मेरी अभी तक मामा से लड़ाई है कि आपने मुझे बचपन में लड़का क्यों बनाया हुआ था। बॉयकट होता था मेरा और लड़कों वाले कपड़े। अभी भी ना कोई कहे ना बचपन की पिक्चर तो दिखाओ अपनी, अलिफा सहर कहते हैं ये लो, मैं कहती हूँ नहीं मेरी नहीं देखनी तुमने। और वो एक ऐसी पिक्चर है जो वायरल भी कर दी थी, उसमें मेरा ऐसे बेबी कट हुआ है, लड़कों वाला हुआ है और मैंने लड़कों वाले कपड़े पहने थे। और मुझे याद है मुझे कहते थे अच्छा दो बेटियां और एक बेटा है आपका, और मैं ऐसे देखती थी मामा को कि ये क्या आपने मुझे बनाया हुआ। मामा ने तो बॉय कट रखे हुए थे लेकिन माशाल्लाह बाल तुम्हारे इतने ज़बरदस्त। अब मैंने कर लिया, अब मैं क्या तेल वेल लगवाया है, अम्मा से मेहनतें की हैं या तुम्हारी जीन्स में है? मेरे जीन्स में, मेरी मामा के बाल भी जो है ना बहुत माशाल्लाह हैवी हैं। पहले तो बहुत हैवी थे, जब वो अपनी जवानी की उनकी पिक्चर्स देखो तो लगता था ऐसे कहाँ तक बाल। तो अब तो आप कह लेंगे केमिकल्स लगाने से और ये हीट लगाने से बाल खराब हो जाते हैं, वरना मेरे भी पहले बहुत हैवी बाल। सारी बहनों के अच्छे बाल? सारी बहनों के बहुत अच्छे, मामा पे गए हैं। अच्छा पढ़ाई में कैसी थी जन्नत? पढ़ाई में अपनी दोनों बहनों से बहुत बेहतर थी। अच्छा। मुझे उस वक्त नहीं अंदाजा था, अब जब हम अपने रिजल्ट देखते हैं ना पुराने स्कूल के, मैं कहती थी देखो इसमें भी मैंने ए प्लस लिए, तुम्हारा बी है। हाँ। देखो इसमें ए प्लस है। तो अब मैं कहती हूँ कि हाँ मैं तुम दोनों से ज्यादा पढ़ी लिखी पढ़ाकू बच्ची थी। हाँ। और मैं पढ़ती थी एग्जाम की रात। अच्छा। मैं पूरा साल नहीं पढ़ती थी लेकिन जब एग्जाम से पहले दो रातें मैं ऐसे बस आप कह लें कि इधर उधर नहीं देखी, क्योंकि मुझे होता था कि कोई भी मैं क्वेश्चन मिस ना करूं, चैप्टर मिस ना करूं, वहां जाके मैं परेशान ना बैठूं। और मैं ऐसी थी कि मैं जब एग्जाम देकर आती थी तो मैं सबसे पहले मैं फारिग होती थी। ले। मैं हैरान होती थी बच्चे एक क्वेश्चन है उसका इतना आंसर थी। नहीं क्लास में भी अटेंडिव इतनी नहीं, यानी कि तुम्हारा दिमाग तेज है थोड़ा, तो बस मैं कहती थी कि आखिरी दो दिनों में मैं अच्छा पढ़ लूंगी। अच्छा क्या टीचर्स की फेवरेट थी या क्लास से बाहर खड़ी हुई नजर आती थी जन्नत? दोनों। अच्छा ऐसा भी है? जब कहना नहीं मानती थी तो कहते थे आउट, निकलो बाहर। हाँ। और जब मानती थी तो जन्नत से अच्छी कोई नहीं। अच्छा जब टिकटॉक पे मशहूर हो गई और उस वक्त पढ़ भी रही थी तुम, तो तब कोई फायदा हुआ उस वक्त क्लास टीचर्स या जो भी टीचर्स हैं उनकी फेवरेट कोई भी नहीं, वो करते नहीं फेवर ही नहीं करते। हाँ। उनका भी घर वाला सीन है कि हमारे लिए तुम वही जन्नत हो जो शुरू से आप यहाँ पढ़ रही हो, कोई इतनी खास बात नहीं। लेकिन टीचर्स ताने भी देती है। हाँ देती है। हाँ, लेकिन तब वही बात है ना, कहती है मैं माइंड नहीं करती क्योंकि टीचर्स भी तो आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं ना, तो आप उनका गुस्सा करोगे तो वो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो मैं कहती हूँ डांट लें कोई बात नहीं, खैर है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अगर टिकटॉकर नहीं बनती, एक्ट्रेस नहीं बनती जन्नत, पुलिस ऑफिसर नहीं, कोई और अगर चीज़ होती तो क्या बनती? कुछ और अगर मैं होती, मैं फोर्सेस में ही अपने आप को देखती हूं। में तो मुझे बहुत शौक है। मैं अभी भी पापा से कहती हूँ कि मुझे आप वो जो डिफेंस कराटे वगैरह सीखते हैं मुझे वो सिखाएं, मुझे आप गन का लाइसेंस बनवा के दें। मेरा दिल करता है कि मैं बस फोर्सेस में हूँ और मेरी कहीं फाइट हो तो मैं उसको बस खत्म कर दूँ। अच्छा अक्सर पेरेंट्स का तो ये होता है ना, माशाल्लाह तीन बहनें भी हैं कि जल्दी करो भाई शादी करो, बच्चियों की बात तय करो, ये तो तुम्हारे घर में इस तरह कोई प्रेशराइज नहीं करता? अभी तो देखे ना एजुकेशन मेरी कंप्लीट नहीं हुई, इसके बाद हो सकता है वो शुरू कर दें। लड़कियां आती तो जल्दी रिश्ते आ जाते हैं भाई? आ जाते हैं रिश्ते तो बहुत आते हैं। हाँ। लेकिन आप जब तक आपका दिल नहीं मानता, अब जाहिर ही बात है आप पढ़ाई छोड़ के तो शादी नहीं कर सकते। तो घर में फोर्स नहीं किया जाता कि कर लो अच्छा रिश्ता है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता? किया जाता है। हाँ। फोर्स नहीं किया जाता लेकिन कहते हैं कि अब कर लो शादी, मतलब कर लेनी चाहिए। हाँ मतलब देखो तो सही ना, इससे हटके भी जरा सोचो। तो मैं कहती हूँ एक दफा पढ़ाई कम्प्लीट हो जाए, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मुझे पता हूँ मेरे पास हाँ डिग्री मेरे पास है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मैं किसी और पे अपना वो आप कह लें कि जोर और वजन ना डालूँ। इस तरह से शादी होनी चाहिए और ऐसी आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होने चाहिए तो शादी होनी। तो जन्नत क्या करती है, जो पैसे कमाती है वो क्या करती है, जमा करती है, अम्मी को दे देती है या अपनी बहनों पर खर्च करती है? मैं अपने पास बस आप कह लेंगे अपने ऊपर लगा भी रही हूँ और ट्रैवल बहुत कर रही हूँ मैं। अच्छा। ट्रैवलिंग का मुझे अपने पैसों से जाती हूँ, अपने पैसों से जाती हूँ और जो शौक होते हैं वो ले लेती हूँ, और जो मेरी बहनें कहती हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि शॉपिंग करो, बल्कि वो तो खुद आपको पता है सोशल मीडिया पे उनकी भी अर्निंग है, पापा पुलिस ऑफिसर प्रॉपर और हमारा सैलून भी है। अच्छा। फैसलाबाद में हमारा सैलून है एस जे सैलून, वो मामा देखते हैं, मामा हाउसवाइफ नहीं रही वो, अब आप कह लें कि वो तुम्हारे टिकटॉक पे आने के बाद से सैलून खोला
है या क्या? हाँ, मेरे आने के बाद से खोला है और मुझे फ़ायदा यही हुआ क्योंकि मेरे पास फेम था और मैंने बहुत आराम से फैसलाबाद में जगह बना ली थी। अच्छा, सैलून को लेके, यानी आप कहते हो ना कि आप स्ट्रगल करते हो शुरू में, सैलून में तुम्हारा क्या काम होता है? बस चली जाती, तुम्हें मेकअप वेकअप आता है, किसी और का कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ, अगर करना पड़े मैं कर लेती हूँ। अलिशवा बहुत प्यारा मेकअप करती है। अच्छा, दूसरों का कर सकती है? कैसे सीखा तुम लोगों ने, कोई कोर्स? इंटरनेट से। अब तो यूट्यूब पे हर चीज है, आप वहाँ से देख लेते हो। तो वहाँ जाते हैं, स्टाफ को कभी देख लिया, उनको देख लिया किस तरह काम हो रहा है, जाके क्लाइंट से पूछा कि आप सेटिस्फाइड है अपनी सर्विसेज से। हाँ। और फिर वापस आ जाते हैं। और तुम कितने लोग तो तुमसे मिलने ही आते होंगे भाई? मिलने आते हैं, अपने काम शाम करवाते हैं। हाँ। वापसी पे कहते हैं सेल्फी हमने लेनी। हाँ। है, मैं कहती हूँ सौ बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं। वाह, अच्छा क्यों? इस सवाल से मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास सारे सवाल पहली दफा वाले होंगे। याद है तुम्हें जब पहली दफा किसी ने तुम्हारे साथ सेल्फी मांगी हो? याद है मुझे, मैं एक रेस्टोरेंट पे गई हुई थी और हम पूरी फैमिली खाना खा रहे थे। मैं कहूँ, अब मैं, मुझे नहीं पता, मैं, मुझे लोग जानते हैं, मैं खाना खा रही हूँ और मैं सामने देखती हूँ टेबल पे कि तीन बच्चियाँ ना मुझे देख के बातें कर रही हैं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं क्यों ये ऐसे हमें देखे, ये वही है, वही है, वही है। मैं कहूँ पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं फिर वो जब निकलने लगी ना मेरे पास आके, मैंने कहा आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कहते हमें आपके साथ पिक्चर लेनी है। मैंने कहा क्यों? कहते आप वो टिकटॉक बनाती है ना? मैंने कहा हाँ हाँ, अच्छा ले लो चलो। वहाँ से मुझे आइडिया हुआ, अच्छा यार आई एम फेमस नाउ। और फैमिली को भी तब अंदाजा हुआ। मम्मी अब्बू ने क्या कहा? वो कह रहे थे ये कौन है, क्या सीन चल रहा है। उन्हें भी नहीं पता था, जब तक, बल्कि किसी को नहीं पता होता कि आप फेमस हो गए हो जब तक लोग आपके पास नहीं आते पिक्चर्स के लिए। ऐसे 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 पता चलता है। फिर मैंने कहा कि ओके आई एम फेमस नाउ और मुझे अब बाहर भी अच्छा बन के जाना है, ऐसे बस मुंह उठा के नहीं निकल जाना। अच्छा, वैसे हर वक्त तैयार नजर आती तुम? मैं तैयार होना हूँ, मैं बस सफाई पसंद। अच्छा, बहुत ज़्यादा। मेरी बहनों को इससे बहुत उलझन होती है। मैं अपने रूम में जाऊँ ना और अगर उन्होंने कुछ फैलाया हुआ, मैं इतना उन पे गुस्सा करती हूँ कि तुम लोग मेरे रूम में आके क्यों ये कर रहे हो। मैंने अपना रूम अलग करवा लिया था क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है और वो दोनों वो बस ऐसी हैं, वही अलमारी खोलो तो कपड़े। और मुझे होता है कि हर चीज़ जगह पे हो, हर चीज़ साफ हो और मैं भी जो हूँ ना मैं हर वक्त साफ नजर आऊँ। कोई मुझे देखे ये ना कहे कि यार ये। तो तुम घर में भी तीन कपड़ों में नहीं घूमती? वो जो होता है ना सलवार अलग, कमीज अलग, दुपट्टा अलग। हाँ, वो करती हूँ मैं। हाँ। अपने पापा की शर्ट पहनती हूँ, पापा का ट्राउजर पहनती हूँ। तो बहुत सुकून मिलता है उन कपड़ों में, सच्ची। पापा की जो शर्ट्स है ना वो बैगी बैगी सी होती हैं, आप पहन के बहुत रिलैक्स रहते हैं। हाँ। तो मैं तो घर में पापा के कपड़े पहनती हूँ। अच्छा, तो वो वाली चीज है, लेकिन बाहर निकलती हो? बाहर तो आपको फिर प्रॉपर तरीके से निकलना है। आप तो अगर फैन मिलेगा जन्नत को तो वो ये नहीं कहेगा कि ये जन्नत है या नहीं है, वो कहेगा ये जन्नत ही। हाँ, है क्योंकि मुझे बस है कि मैं अच्छी नजर आऊं और साफ नजर आऊं, लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं वैसे ही उनको नजर आऊं। वेरी गुड, ओके। जब पहली दफा टिकटॉक पे मिलियन रीच किया? मैं रो रही थी, ऐसे मेरे हाथ में फ़ोन था और मेरे उस तक फैन पेजेस बन गए थे काफ़ी सारे ना, जो छोटे एज के बच्चे हैं बहुत सपोर्ट कर रहे थे। हाँ। तो अब 100 उसमें रहता था 1 मिलियन होने में, और मैं ऐसे सोफ़ा पे बैठी हुई देख रही थी और मुझे पता था मेरे फ़ैन पेजेस मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, 2 रह गए 3 रह गए। और जैसे ही 1 मिलियन ऐसे फिगर आया तो ऐसे आंसू टिप 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 शुरू। मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई, अपने फैंस को थैंक यू बोला कि हमने 1 मिलियन फाइनली पहुंच गए हैं हम, और आप सबके सपोर्ट की वजह से ही होता है, अगर ये फैंस ना हो तो हम कुछ नहीं है। बिल्कुल। और बस फिर एक सेलिब्रेशन भी की थी, छोटी सी की थी, केक लाके हमने उसे कट किया था पूरी फैमिली के साथ। और अब माशाल्लाह 22 मिलियन हो गए, पता ही नहीं चला। वाओ, बहुत जल्दी टाइम। अच्छा, मैं तो सर 25 अनाउंस कर दिया मैंने बड़े मजे से। आप इंस्टाग्राम पे मिला लें? हाँ, हो जाएंगे इंशाल्लाह। और क्या, ये कितना अरसा लगा यहाँ तक पहुँचने में? तीन साल में माशाल्लाह। ये लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ज़्यादा। और कोई मुझे मिलता है ना, अब जैसे इंडस्ट्री में मेरी परसों कुछ लोगों से पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा मैं यहाँ पे एक और बात करूँगी, मैंने देखा कि हमारे लोगों को ना स्ट्रगल करना ज़्यादा पसंद है। अगर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में आ सकते हो या आपको फेम मिल रहा है, तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि इसने तो कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ वीडियोस बनाने से फेमस हो गई है। हाँ, तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है। और मैंने अभी तुम्हारे आने से पहले यही बोला था कि जिसको अल्लाह ताला इज्जत देता है ना, ये अल्लाह की है ना इज्जत। ऐसा ही है। अगर जन्नत मिर्ज़ा के पास इतने फॉलोअर्स हैं और वो मशहूर है, तो जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसको इंसानों को भी इज्जत देनी चाहिए। मैं कह रही हूं कि हमने भी स्ट्रगल किया है, हमने भी 3 साल लगाए हैं, हम लोग भी, अब वो नज़र नहीं आता लोगों को, लोग कहते हैं ये तो एकदम से आ गई। मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं, दाना नीर है और भी कुछ लोग हैं जिनकी आप ऐसे पिक्चर्स लगा देते हो और कहते हो कि
इनको तो एमी फेम मिल गया, ये तो एमी मुझे भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है ना, इनको बुला लिया, फलाने को बुलाया। मैं वही कह रही हूँ कि ये गलत है, जो होता है वो तो वायरल नहीं करते। ये बात बिल्कुल सच है कि आप फलाना तो आता है, उसे बुलाएंगे ना जो वायरल हो ऑलरेडी, इसके पास फेम हो। नहीं, लोग पसंद करते हैं। मैं तो बैलेंस रख के चलती हूँ, ये भी आता देखा है, वो भी आता है, ये भी आता है, वो भी। लेकिन आप जब बुलाती है ना किसी सोशल मीडिया कोई इन्फ्लुएंसर या किसी टिकटॉकर को, तो आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, दैट इज ट्रू। लेकिन आप जरूर देखें कि उसने भी स्ट्रगल किया है, अगर अल्लाह ताला ने उसे जल्दी फेम या जल्दी इज्जत दे दी है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप उसे कहो कि आपको क्यों मिला है, इसको तो ये, इसको तो वो। और नहीं, मैं कौन होती हूँ किसी को कहने वाली कि क्यों इसको फेम मिल गया, हम तो कोई है ही नहीं ना। जिसको वो इज्जत दे उसको इज्जत दे भाई, इंसान थोड़ी कोई किसी को बोल सकता है, वो वाली चीज़ है। ओके, पहली दफ़ा ट्रोल कब हुई? पहली दफ़ा, ये हमारे पैकेज है, ये मशहूर होने के साथ ये पैकेज में आता है, ट्रोलिंग आता है। ये वही ना, हर चीज़ में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों होते हैं। तो जब आपको फेम मिला तो जाहिर बात है कुछ लोगों को उससे उलझन भी हुई कि क्यों उसे फेम मिल रहा है। तो जहाँ पे आपको लोग लिख रहे हैं कि आई लाइक यू सो मच, आप और बनाए, वहाँ पे वो लोग भी थे जो कह रहे थे यार इसको क्यों सामने ला रहे हो। कब तुमने फेस की ट्रोल? उसी टाइम जिस वक्त मुझे पता चला कि लोग पसंद कर रहे हैं, उसी टाइम मुझे ये भी पता चला कि लोग पसंद नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन फिर उस वक्त मैंने दिल पे ये बात भी ली थी, मुझे लगा मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि जो लोग पसंद करें मैं उनके लिए क्यों ना वीडियोस बनाऊं, जो नहीं करे वो ना करे, मेरा क्या चाहता है और क्या, किसी का क्या चाहता है। हाँ, आप ना देखो, लेकिन जो पसंद करते हैं मैं तो उन्हें प्यार करती हूँ और मैं उनके लिए अपना कंटेंट बनाती हूँ। सो ऐसा हुआ कि रोई हो, डिप्रेशन में गई हो कभी ट्रोलिंग की वजह से? अक्सर ऐसा होता है, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, आप कुछ भी कह लेते हो किसी को, आपको लगता है कि आप फ़ोन के पीछे बैठ के कॉमेंट कर रहे हो और आपने पोस्ट कर दिया उसके खिलाफ, और अगला बंदा आपको लगता है कि वो पढ़ के इग्नोर करेगा, लेकिन नहीं, हम लोग हर कॉमेंट पढ़ते हैं और हमें भी बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। अगर यही बात आपको भी सोचो, कॉमेंट करने से पहले सोच लो ना कि अगर यही बात हमारी फैमिली या हमारे बारे में कोई कहे तो हम पे क्या गुजरेगी, तो शायद आप कभी कॉमेंट ही ना करो। तो मैं यही कहती हूँ कि हर किसी, बी काइंड टू एवरीवन, हर किसी से प्यार से बात करें, कोई किस चीज़ से गुजर रहा है वो आपको नहीं पता होता, आप बस हर किसी के साथ बेहतर से बेहतर अपना बिहेवियर रखें। बिल्कुल। अच्छा, जब पहली बार आपके फादर आपके नाम से पहचाने गए, That was too embarrassing for me. मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं अभी भी कहती हूँ, वो आपने देखा होगा शाहरुख खान की बेटी कहती है कि मुझे शाहरुख खान की बेटी ना कहो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। लेकिन मुझे हमेशा ये होता है क्योंकि मेरे फादर खुद पुलिस ऑफिसर हैं, मैं चाहती हूँ कि सारे ये कहें कि वो उनकी बेटी है, ये ना कहेंगे जन्नत मिर्जा के फादर हैं। मैं यही, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे रेफरेंस से कोई पापा को बुलाए, मुझे होता है पापा के रेफरेंस से कोई मुझे कहे। कभी कोई फैन हो तुम लोग, फैमिली इकट्ठे हो तो कहते हैं, कहते हैं कि जन्नत मिर्जा के पापा है, मैं कहती हूँ हाँ जी वो खुद भी पुलिस वाले हैं, मैं बाद में, पहले वो है। और अक्सर ऐसा होता है इंटरव्यू लेने कोई आता है ना, तो पापा का इंटरव्यू हो रहा है या मेरी बहनों का इंटरव्यू हो रहा है, तो वो लिख देते हैं जन्नत मिर्जा के फादर, जन्नत मिर्जा की सिस्टर, उनके नाम नहीं। वो भी मुझे बहुत बुरा लगता। अच्छा, कि उनकी अपनी एक पहचान है, आप उनके नाम से उनका इंटरव्यू लेने आए हैं तो मेरा नाम ना जोड़ें, आप उनको सेपरेट रखें। सही है। पहली बार जब एक अच्छा चेक हाथ में आया, पहली दफ़ा अर्निंग शुरू की, होता ना जब स्टूडेंट हैं आप और आपके पास थोड़े पैसे भी आते तो आपको बहुत बड़े लग रहे होते हैं, सो पहली बार जब पैसे आए हाथ में? पहली दफ़ा जब आए थे तो इतनी फिगर कोई खास नहीं थी, मैंने बताया मेरे लिए तो ज़्यादा ही होगी, मेरे लिए ज़्यादा थी, लेकिन मेरे फादर क्योंकि खुद पुलिस ऑफिसर हैं, मेरे दादा अबू जो थे वो खुद सांगला में काम करते थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। अच्छा। तो हमने तो शुरू से ये सब चीज़ें देखी थी, तो मेरे लिए इतना वो नहीं, लेकिन वो तो उनकी कमाई है। लेकिन जब पहली दफ़ा मुझे आई ना तो मैं थोड़ी सी परेशान थी, ये क्या, क्यों, क्या रीज़न, टिकटॉक से आपको नहीं अंदाज़ा क्या आप अर्निंग कर सकते हो, आपको कोई कैंपेन आ रही है? तो मैं हैरान थी और मैंने सोचा था मैं इसका क्या करूँगी, तो मैंने फिर मामा को दे दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं, यकीन माने मेरे पास कोई पैसे नहीं होते, कोई कैश नहीं होती, कोई मेरे हाथ में मेरा नहीं है जो भी पैसे वगैरह हैं,
मैं अभी भी मुझे कुछ लेना होता है मामा में KFC मंगवा लूँ, अच्छा मामा में बर्गर मंगवा लूँ, प्लीज मेरा बहुत दिल कर रहा है, इस तरह से अभी भी यही वाला सीन है। हाँ। जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं मामा ये ला देंगे और मामा फिर देती है कि अच्छा जाओ, मामा खुद ला देती है, शॉपिंग सारी मामा करती है, हर चीज मामा करती है, हम बस रिक्वेस्ट करते हैं मामा ये कर दें प्लीज। और सारी बहनें ऐसी हो तुम? सारी बहनें तुम लोगों ने कोई हमारा ये सीन ही नहीं है कि हमारे पास कैश हो कभी भी, हमने कुछ भी करना हो मामा पैसे दे दें, पापा पैसे दे दें, ऐसे करते हैं, खुद नहीं संभाला जाता। पहली बार जब दिल टूटा, कैसे हैंडल किया, कैसे उससे बाहर निकली? पता है बहनें भी बहुत बड़ा सहारा होती हैं, जिसकी बहनें होती हैं ना वो बड़ा हेल्प करती हैं आपको, दोस्तें बहनें। नहीं, मैंने लोगों को कभी नहीं बताया कि मैं वीक हूँ, स्ट्रांग हूँ, मैंने कभी नहीं बताया। मैं जो हूँ मैं अपना कुछ छुपा के रखती हूँ, अपने अंदर रखती हूँ, मेरा मुझे शौक नहीं कि मैं लोगों के। तुम्हारी उम्र छोटी है ना अभी, तो अभी आपको ना तकलीफ़ें सहने की आदत नहीं होती। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत है तकलीफ़ें और वक्त की हर फेजेस में हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके लिए तैयार होते हैं। अभी तुम अपनी अम्मी और अबू के परों के नीचे हो, जैसे तुम ये कह रही हो हर चीज़ अम्मी अम्मी के बगैर आगे नहीं बढ़ती, सो उस वक्त मैं यही कहती हूँ कि नाइव होती है थोड़ी। जो ये सब है ना, ये एक लेसन होता है आपके लिए, एक सबक होता है कि लोग बुरे हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और जो अच्छे हैं उनके साथ चलो, जो बुरे हैं उनको निकाल ही दो लाइफ। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है अगर आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाना है, टॉक्सिक लोगों को अपने आप से दूर करो। अच्छा, मैं कभी भी किसी के खिलाफ बुरा नहीं बोलती, अभी भी चाहे जो मर्जी मेरे साथ किसी ने किया हो, बिहेव किया हो, मेरा होता है कि इग्नोर कर दो, किसी के खिलाफ ना बोलो, अपनी लाइफ बस गुजारो। नहीं, तुम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग बनोगी, तुम्हारे साथ इतने सारे लोगों की मोहब्बत, प्यार, दुआएं हैं सब, मतलब लाइक होता है ना जब दिल टूटता है तो कुछ लोग होते हैं मरहम रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। निकाल तो ज़्यादा क्या फेस किया? नहीं, मेरे सारे बहुत सपोर्टिव सारे फ्रेंड्स हैं, मामा पापा हैं, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी और जो लोग थे उन्होंने ही मुझे आप कह लें कि ऐसे सपोर्ट किया कि मुझे जो बुरे लोग थे नज़र ही नहीं आए। मैंने ट्रैवलिंग बहुत की, मैंने यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ आना जाना, मैंने अपनी लाइफ पे बस पे फोकस कर लिया। और शुक्र भी तो किया होगा कि मैं बच गई। मैं शुक्र करती हूँ कि जो लोग अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान को अपने दिल से नहीं निकाल पाते ना और वो आपके साथ बुरा बिहेव करता रहता है, करती रहती है, कोई भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो अल्लाह ताला फिर ऐसी जगह ले आते हैं कि आप खुद ही उसे कहते हो कि नहीं, आप खुद का दिल भर जाते हैं, आपके सामने आ जाते हैं। एग्जैक्टली, पहले आपकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा की तरफ से ऐसा होता है कि आपकी पट्टी खुद उतर जाती है और आप बच जाते हो, और ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है हमारे लिए, सब लोगों के लिए गुजार होना चाहिए, वो बचा लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, फिर एक प्यारी सी लड़की से इसी तरह की प्यारी सी बातें जारी रहेंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात मैंने आज करा दी जन्नत मिर्ज़ा से, बस यही रह गई थी, यही रह गई थी। बहुत सारे टिकटॉकर्स मेरे शो पे आए हैं और मैं उन सब में से एक एक की तस्वीरें तुम्हें दिखाऊंगी, फिर तुम्हारे सामने एक मैजिक वॉन्ड रखा है, उससे तुमने उनको कोई फायदा पहुंचाने वाली आदत डालनी है उनके अंदर, मतलब उनके लिए कोई भला करना है, कोई आदत बदलनी है जो उनके लिए भलाई के लिए साबित हो, क्योंकि तुम्हारे पास जादू की छड़ी है और तुम्हारे अंदर वो ताकत आ गई है इस सेगमेंट तक के। ओके ओके, ठीक है, ओके। दिखाइए भाई पहली पिक्चर किसकी है। ओके, कवल आफताब। कवल, शी इज परफेक्ट द वे शी इज। फिर भी अगर तुम कोई फायदा पहुंचाओ उसको अपने मैजिक वॉन्ड से, और वीडियोस बनाया करो, लोग बहुत पसंद करते हैं सोलो वीडियोस ज़्यादा बनाए। ये क्या, ये तो आदत तो नहीं हुई अब आदत, कसम से, वो शी इज़ परफेक्ट द वे शी इज़। कोई सोचो कुछ आदत, क्योंकि देखो मैं पर्सनालिटी तो मिला जुला करो सबसे। अच्छा, मिलती जुलती कब होगी बच्चे के बाद? अब हाँ बिल्कुल नहीं आती, जब वो बेबी हुआ था तो आना था, इसने दो दफा आना था, दोनों दफा आज गाड़ी खराब हो गई, आज ये हो गया, फिर मुझे यहाँ कराची आना था, तो अब हमारा प्लान है हम मिलेंगे। तो जब बेबी हुआ था इनका, तुम गई थी मिलने इनसे? मैं इसकी इज़र के हकीके पे गई। अच्छा अच्छा, वहाँ पे मुलाकात हुई थी। शी इज़ सो क्यूट, बहुत प्यारी है। ओके भाई, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। अलिश्का, ये तो तुम्हारी बहन है, बहुत चीज़ें इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ। अपना गुस्सा कम करो, मुझसे लड़ा कम करो और अपने कपड़े मुझे दे दिया करो, मुझे पसंद है,
और बदतमीजी कम किया करो। अच्छा अबू अम्मी किसकी साइड ज्यादा लेते हैं, अलिशबा की तुम्हारी या साइड? अलिशबा की, पता नहीं उसने क्या ऐसा मैजिक किया। नहीं पता नहीं, वो हम थे ना, हम अगर थोड़ा सा भी ऊंचा बोलते थे तो हमारी इतनी हमें डांट पड़ती थी, आपकी सोच है, और ये इतनी बदतमीजी हमसे कर रही होती है और वो हंस रहे होते हैं, ओ क्यूट। मैं कहती हूँ ये भाई सही है आपका कि हमारी दफा चुप कर और उसकी दफा क्यूट। बड़ी बहनों वाली रिस्पेक्ट नहीं देती तुम्हें? नहीं देती है? नहीं देती। ये होता है जब थोड़ा सा कम फर्क होता है ना एज का, 1.5 साल छोटी है मुझसे और वो बस ऐसे ही है, कहती है चुप हो जा तू। ओके भाई नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। रबीका में क्या आदत? आई वुड से कि ब्लॉगिंग से निकल आओ और ड्रामा इंडस्ट्री में आओ, आप में एक्टिंग है, यू शुड वर्क इन सम ड्रामा। ओके ओके, ये कराची में होती है, तुम फैसलाबाद में, तो तुम लोगों का हमारी बातचीत है, हम कभी मिले नहीं है। अच्छा मिले? हमने मिलना है आज। Oh. हमारा प्लान है, मैं आई हूँ कराची, टाइम ही नहीं मिल रहा, ऐसे रोज रोज काम है, तो उससे मैंने कहा है कि आज रात ना हम कुछ प्लान करते हैं। तो अब देखो ऐसे बहुत सारे होंगे जिससे बहुत तो सारे नहीं मैं आई हूँ, मैं यकीन माने मुझे नहीं पता था कराची में मुझे लोग इतना पसंद करते हैं। मैं जब एंटर हुई हूँ मैंने एक स्टेटस लगाया कि आई एम इन कराची, ऐसे DMs, ओ आप कराची हैं, हमसे मिले, मीटअप रखेंगे सब, तो वहाँ से अंदाजा हुआ कि नहीं मेरी यहाँ भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। अरे वाह जबरदस्त, चलिए भैया अच्छा है कराची वालों ने वार्म वेलकम किया। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। जुल्कनैन, मैं इन सबको क्या कहूँ, सब मशवरा दे दो ना, कवल का ख्याल रखा करो या कुछ ऐसा कुछ भी कह सकती हो भाई। कवल को ब्लॉग्स में ना रुलाया करें। अच्छा ये रुलाते हैं ब्लॉग्स हाँ, में? ये जान के प्रैंक करते हैं उनके साथ और वो बेचारी फिर सीरियस समझ के कैमरा दूर सेट किया होता है, वो रो रही होती है, तो कम रुलाया करें मेरी बहन को। ओके भाई नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। कैन डॉल दुबई से ज्यादा पाकिस्तान में रहा करो, और ये काफी ब्लंट है ना जो होता है मुंह पे बोल देता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाए। ये मुझे बहुत इसकी आदत पसंद है कि ये जो दिल में आता है कह देता है। कभी तुम्हें कुछ बोला है? मेरी सच्ची दोस्ती है। अच्छा मुझे नहीं बोला, लेकिन हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो हम फिर गॉसिप्स करते हैं। अच्छा मैं देखती हूँ कि ये डरता नहीं है किसी से। डरना भी नहीं चाहिए, क्यों डरना है आपने किसी से, खुल के आपके जो दिल में आ रहा है वो बात करें। क्या ऐसे मुनाफ़त हो गई ना कि दिल में कुछ है बाहर कुछ है, तो ये आदत बहुत अच्छी है, इस आदत को कंटिन्यू करना कभी भी। और कौन सी आदत ऐसी है जो डालोगी तुम अंदर? इसमें कोई तो आदत होगी ना यार, थोड़े अल्फाज अच्छे चूज किया करो। इतना भी खुल के ना बोला करो कि अगला हर्ट हो जाए। सही था ये। हाँ सही है भाई। अगली पिक्चर मुनीब और फिजा। अच्छा इनको मैं ये कहूंगी कि ये बिल्कुल जब से इनके दो बेबीज हुए हैं ना, एक और बेटा हुआ है, तब से ये वीडियोस नहीं बना रहे। तो मैं ये कहूँगी कि टिकटॉक ना छोड़ें, अपना कंटेंट बनाते रहें, लोग आपको पसंद करते हैं, टिकटॉक नहीं छोड़ना, काम करते रहें। वो बच्चा तंग करने वाला होगा ना, बच्चा करता होगा तो फिजा भाभी नहीं बना पा रही ना। लेकिन बनाओ अपनी वीडियोस, बनाओ, लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। बेबी सिटर रख लो कोई। हाँ वो रख लो या थोड़ी देर के लिए सास को पकड़ा दिया करो। अब तो पता है मुझे चीज़ नहीं पसंद मदर्स की कि वो टैब्स दे देती अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और मुझे पता है मेरी सबसे बुरी एक आदत लगती है, मुझे फ़ोन की एडिक्शन बहुत हो गई है, और मेरा दिल करता है कि कुछ ऐसा हो कि फ़ोन ख़त्म हो जाए दुनिया से। अल्लाह ऐसे क्यों बोल रही हो? मतलब आप देखो हम लोग फैमिली जाते हैं ना, या आपके साथ में बैठी हूँ, यहाँ पे 10 लोग और बैठे हैं, तो वो आपसे 5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद वो फोन पे शुरू हो जाएंगे। पता है मुझे लगता है हर कहीं ना, हर घर जाए या रेस्टोरेंट जाए, वहाँ ना एक लकड़ी का डब्बा होना चाहिए, फोन यहाँ जमा करें। मैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, जापान में ना उन्होंने कहा है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अपने सबके फोन यहाँ काउंटर पे जमा करवाओ, 10% अच्छा आइडिया है। तो वो यकीन माने वो लोग वहाँ पे फोन वहीं पे छोड़ के अपना खाना खाते हैं, डिस्काउंट के पीछे या फिर देख लें जैसे भी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो फोन के बहाने आपको लालच दे रहे हैं 10% का, और आप फोन छोड़ के आपस में टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी चीज़। अच्छा जैसे अक्सर बीच बीच में टिकटॉक बंद हुआ है, तो उस टिकटॉक बंद होने से उस टाइम पीरियड तक तुम लोगों को कितना नुकसान पहुंचता है? नुकसान इतना अगर मेरी बात की जाए तो इतना नहीं होता, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे भी इतनी ही फैन फॉलोइंग है। अच्छा। और जब जब टिकटॉक बैन हुआ मैं पाकिस्तान में थी नहीं, तो मेरा तो बैन ही नहीं हुआ ना, मैं तो जापान होती थी। ओहो, लोग अच्छा। यहाँ पे हाँ यहाँ की ऑडियंस नहीं देखती थी, लेकिन वहाँ UAE में मेरी वीडियोज जा रही थी, US में जा रही थी, बल्कि वहाँ पाकिस्तान का जब बंद हुआ तो वहाँ ज़्यादा वीडियोज चलने लगी।
तो मेरा नुकसान ही हुआ लेकिन बाकी लोगों का हुआ। पता है कुछ लोग टिकटॉक से अर्निंग कर रहे हैं, खुल्लू का आपको पता होगा, वो फार्मर था, वो किसान प्रॉपर, वो काम करता था, अब वो प्रॉपर अर्निंग कर रहा है। और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म ने फेम दिया है, वो खा पी नहीं सकते थे, अब वो अच्छा खासा माशाल्लाह। मेरे पास भी आए थे टिकटॉकर, वो कह रहे थे मैं हैदराबाद में जूतों की दुकान में कब जो भागता था तेज, उसका नाम क्या था, अली हैदराबाद वो उसने मुझे बताया था कि मैं जूतों की दुकान में सेल्समैन था। बहुत से लोगों को फायदा मिला, अपने घर वालों को, अब जाहिर है आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आप वहाँ पे आके अपना टैलेंट, आपके पास कुछ है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते हो। तो टिकटॉक तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको उसकी नेगेटिव साइड टू साइड पे करें ना, अगर पॉजिटिव देखा जाए तो टिकटॉक एक बहुत अच्छा जनरल, जब ड्रामा एक्ट्रेस वगैरह प्रॉपर बन जाएगी तो तब टिकटॉक जारी रखेगी? मैं जारी रखूंगी मेरा, क्योंकि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। और क्योंकि टिकटॉक में मेरे फैंस बहुत हैं, मैं उन्हें भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। अगर मैं ड्रामा कर रही हूँ, दे वांट मी टू वर्क इन ड्रामास, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि टिकटॉक ना छोड़ना कभी। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी आई थी टिकटॉक के बाद जो हमें कह रही थी कि हम आपको इतना अमाउंट देंगे, इतनी अमाउंट देंगे अच्छी खासी फिगर में, तो आप टिकटॉक छोड़ दो, बस हमारे साथ आप आ जाओ एक्सक्लूसिव। अच्छा, लेकिन नहीं, मैंने नहीं छोड़ा कभी। हाँ। क्योंकि टिकटॉक से आपको फेम मिला, आपका आपकी बेस वो है, तो आप कैसे उसको छोड़ सकते? अच्छा, आप जैसे जाहिर है तुम पॉपुलर भी हो, प्यारी भी हो, तो रिश्ते वगैरह अगर आएंगे और समझो पाकिस्तान से बाहर के आते हैं, तो तुम्हारी प्रेफरेंस क्या होगी कि मैं पाकिस्तान के अंदर ही वाला एक्सेप्ट करूं या पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई रिश्ता अच्छा है तो सोच सकती हो तुम? अच्छा, पहले ऐसे था कि मैं कहती थी लुक्स अच्छी हूँ, हाइट अच्छी हो, और मतलब मज़े का, मतलब तुम फिजिकल अपीयरेंस पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी उसको। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो जिसके साथ भी आप सोच रहे हो, आपका पार्टनर लॉयल हो, सिंसियर हो, आपके साथ दिल का सच्चा हो, इज्जत करता हो, सबसे ज़्यादा इज्जत मैटर करती है। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो आप चल ही नहीं सकते। रिस्पेक्ट देता हो आपकी और आपकी केयर करता हो, ये तीन चार चीज़ें अब जो मैं सबसे पहले देखूंगी। वो उसकी हाइट क्या है, उसकी आंखों का रंग क्या है, वो मैटर नहीं करता। और मुझे लगता है सबको ऐसे सोचना चाहिए कि जहाँ पर आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आप उसको प्रेफर करो, ना कि उसको जो दिखने में अच्छा लेकिन उसका पर्सनैलिटी नहीं। और सारी ज़िंदगी जिसके साथ बितानी है आप, हाँ आप नहीं, अपनी जो आपकी बंदा इज्जत नहीं कर सकता या आपकी आपके साथ लॉयल नहीं है, आप उसके साथ नहीं चल सकते, चाहे वो कोई भी हो। पार्टनर के अलावा अगर आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ लॉयल नहीं है, आपके साथ वो आपको पता है कि यार ये दिल में मेरे खिलाफ ये गुस्से में आके मुझे पता नहीं क्या क्या बोल देती है, या ये दिल की अच्छी नहीं है, तो आप उनको साइड पे कर दो। अच्छा, जन्नत को क्या पसंद है, उसको किस तरह के गिफ्ट्स दिए जाएं जब बर्थडे होती है या क्या? तो क्या गिफ्ट्स ही नहीं मिलते क्या? हाँ, मुझे नहीं मिलते गिफ्ट्स। ये देख रहे हैं आप कैसे फैंस बहुत, हैं बहुत मुझे नहीं फैंस, फिर भी वो वैसे डिजिटली कुछ बना के भेज देते हैं, लेकिन गिफ्ट्स जो फिजिकली आपको जो दे सकें वो नहीं मिलते मुझे। बर्थडे वगैरह पे नहीं मिलते? नहीं, इतने नहीं मिलते मुझे। फैमिली में भी हमारे नहीं है ऐसे। अच्छा। वो ऐसा होता था, चलिए मैं बता देती हूँ, और भी बहुत लोग करते हैं कि वो कहते थे ये पैसे रख लो, जाओ जो मर्जी ले लो, लेकिन मेरा दिल करता है कि चाहे आप छोटी चीज़ दो, एक टैडी दे दो छोटा सा, लेकिन गिफ्ट हो जो आप संभाल के रख सको। पैसों का क्या है, वो तो आप अपने से भी जो मर्जी ले लो। आप दूसरे की चॉइस देखना चाहते हो कि ये मेरे लिए क्या सोचता है और ये मुझे क्या गिफ्ट कर रहा है, वो मैटर करता है। अच्छा, जैसे अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए, बालों का ख्याल रखने के लिए तुम केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करती हो या टोटका भी कोई करती हो? इतने सारे टोटके बताते हैं ना हम लोग शोज पे। मैंने केमिकल वाली चीज़ें भी यूज़ करके देखी हैं और मैंने टोटका जो घर में होते हैं होम रेमेडीज़ वो भी की हैं। ट्रस्ट में जो होम रेमेडीज़ हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। अच्छा। ये केमिकल वाली आप वक्ती तौर पे तो अपनी स्किन पे क्रीम्स लगा लोगे, लेकिन वो तीन चार हफ्तों बाद ही ना आपकी स्किन फिर वैसी हो जाएगी। तो क्या करती है अगर जन्नत के मुँह पे पिम्पल निकल आए तो? मैं इतनी पहले तो टेंशन नहीं लेती। अच्छा, बिल्कुल, मैं कहती हूँ निकले तो क्या हुआ, चला जाएगा। और अब ना मैंने एक नई चीज़ सोची हुई है, उसमें दही, दही में हल्दी। अच्छा। और लेमन, उसका एक छोटा सा पेस्ट बना के ना मैं उसको लगा लेती हूँ पूरे फेस पे, बाजू पे, हाथ पे, पाँव पे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे एक तो आपकी स्किन जो टैन होती है वो निकल जाता है सारा। सेकंडली आपकी स्किन ग्लो बहुत करती है और एक्ने आपकी ना ऐसे पोर्स बंद हो जाते हैं। तो वो अक्सर कभी सुबह इवेंट हो या कहीं जाना तो मैं रात को ना ये करके 10 मिनट बाद में वॉश कर लेती हूँ फेस,
और वो सुबह तक। और बालों का क्या करती हो? बालों में ऑयलिंग बहुत करती हूँ। कौन सा वाला तेल लगाती हूँ? पता नहीं, एक पीयर में आया था मुझे, आयशा समथिंग कोई नाम है उनका ऑयल है। अच्छा, तो अच्छा था वो बहुत। उनका ऑयल बहुत सूट अच्छा कर गया। हाँ, सूट, वही बात है कि अक्सर आप बहुत महंगी चीज़ भी लगाओ वो सूट नहीं करती। अक्सर आप 100 रुपए का कुछ मंगवा लो तो वो सूट कर जाता है। तो वो ऑयलिंग में रात को सैटरडे वीकेंड पे लगा लेती हूँ बालों में तेल, और फिर मंडे को जब यूनिवर्सिटी जाना होता है तो वॉश कर। कौन है तुम्हारा फेवरेट, अगर तुम्हारे साथ हीरो कास्ट कर रहे हो और अगर तुम्हें चुनने का मौका मिले तो जन्नत का फेवरेट? लव टू वर्क विद शहरयार मुनव्वर। ओए होए, तो आपके फेवरेट हीरो हैं वो? अब हो गए। और अब होने की वजह क्या है? कहीं मिले हैं, मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं, मुझे पहले से जो आपने देखा होगा जो डिज्नी में कार्टून्स वगैरह बनते हैं, जैसे टेंगल था और ब्यूटी एंड द बीस्ट, चॉकलेटी सॉर्ट ऑफ जो, हाँ, जो उसमें जो वो कैरेक्टर होता है ना लड़के का, वो उनसे मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है। आई वुड वो चॉकलेटी हीरो सॉर्ट ऑफ लुक आती है। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? हानिया। हमें हानिया हमारी अच्छी लगती है, अब बहुत अच्छी लगती है। शुरू में उसको भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो भी आई गेस डिप्रेशन में गई थी प्रॉपर हानिया में, लेकिन अब वो जैसे वापस आई है दैट इज अमेजिंग। कसम से उसने अपने आप को इतना ग्रूम किया है, इतना संभाला, और अब हर जगह हानिया को नजर आ रही है, तो मुझे, मेरी तो वो फेवरेट हो गई। अच्छा, अब जैसे हर कोई जो भी आता है फील्ड में वो आहिस्ता 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 ग्रूम होता है, तो जन्नत को लगता है कि वो भी ग्रूम हुई है 3 सालों में? मुझे लगता है कि मुझे भी ज़रूरत थी है ग्रूम होने की, और हर किसी को होती है। आप अपने बेस्ट वर्जन तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। हाँ। अगर आप कौन है, मैं बेस्ट हूँ तो देट इज़ स्ट्रॉन्ग, आप नहीं हो। आप अपने आप में आपकी आदतें चेंज हो सकती हैं। हाँ। आप अपने करेक्टर पर वर्क कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये 3 साल में थोड़ी बहुत ग्रूमिंग मैंने ग्रूम हुई होंगी, लेकिन अभी मुझे और भी ज़रूरत है। क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी नेचर में कभी कभार होती है यंग एज में, वो तुमने अपने अंदर ख़त्म करनी है, ये अहद किया हुआ है कि मेरी नेचर में ये है, मैंने इसको ख़त्म करना है, मेरी नेचर में ये है? मेरी नेचर में एक चीज़ बहुत बुरी है कि कोई इंसान मेरे साथ बुरा कर लेना, तब भी मैं उसे माफ़ कर देती हूँ और उसके साथ चल पड़ती हूँ, फिर वो दोबारा मुझे हर्ट करेगा या करेगी। तो ये चीज़ मैंने ख़त्म करनी कि जो बंदा एक दफ़ा मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, वो दोबारा भी करेगा। हाँ, वो है ना कि आजमाए हुए को दोबारा कभी मत आजमाओ। हाँ, तो ये वाली आदत मुझे ख़त्म करनी है कि मैं, अगर एक बंदे ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मुझे उसको सेकंड चांस नहीं देना। आई शुड मूव ऑन, किसी बस उसे साइड पे कर देना। कोई ऐसा चीज़ जो तुम्हारी अम्मी तुमसे चिढ़ती हैं, तुम खाना नहीं खाती या जंक खाती हो, गुस्से की तेज़ हो, सफाई तो तुम कह रही हो तुम करती हो, हमेशा बहनों से लड़ती रहती हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो अम्मी कहती हैं? मामा को ना ये नहीं, एक तो मैं जब शूट्स वगैरह पे होती हूँ तो मैं पूरा दिन भी कुछ ना खाऊं तो मुझे पता नहीं चलता, और उन्हें पता होता है मामा को, मामा साथ होती हैं, जन्नत तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? हाँ। वो ऐसा आपका काम में ध्यान होता है कि आपको भूख ही नहीं लगती। हाँ। पहली बात। दूसरा, उन्हें ये भी बुरा लगता है कि पिछले 3-4 महीने से ना मेरी नेचर थोड़ी सी चेंज हो गई थी, मुझे गुस्सा बहुत आने लग गया था हर चीज़ पे, बस ऐसे कुछ हालात थे कि मुझे हर बंदा ना गलत लगता था कि नहीं यार ये ट्रस्ट नहीं कर पा रही, ट्रस्ट अभी भी नहीं मैं कर पाती। हाँ। वो एक मेरे अंदर से निकल गया कि आप किसी पे ट्रस्ट। हाँ। करो, खुल के ट्रस्ट करो। तो मामा को ये बुरा लगता था कि गुस्सा बहुत करती है, कुछ भी होना, मैंने कहना कि मुझे नहीं पता। अब मैंने उस चीज़ पे 2 महीने काम किया है, मैं अपने आप को मैंने घर पे बंद रखे और मैंने अपने आप को बहुत एक ना काम पर्सन, एक काइंड पर्सन बना दिया जैसे मैं पहले थी। और अब मैं दोबारा से लोगों से मिलना शुरू किया है और मैं ट्रस्ट करती हूँ सब पे। फ्रेंड्स हैं, अच्छी फ्रेंड्स हैं, जो अच्छी हैं उनके साथ हूँ, जो नहीं है सबको निकाल दिया लाइफ से। क्या ऐसा खाना अम्मी बनाती हैं जन्नत, बाहर का कोई भी खाना छोड़ सकती है उसके लिए, क्या अम्मा मुझे ये पका दें, ये खाना है मुझे? मेरी जो मामा है ना वो इस चीज़ की तारीफ़ करती हैं कि जन्नत जो है ना वो बाहर का खाना खाती नहीं है शौक से। हाँ। अगर घर पे सब्जी बनी हुई हो ना, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मुझे पालक बहुत पसंद है, उसके आगे जो मर्जी आप रख दें, मुझे सुशी बहुत पसंद है, मैं जापान जाके खाती हूँ। अगर सुशी भी पड़ी हो तो मैं मामा के हाथ का जो वो पका होगा ना सब्ज़ी वो खाऊँ, वो खाऊँ, मुझे घर का खाना ज़्यादा। तो हमारी हसरत रह गई मामा से मिलने की। आप आए? हाँ, मामा से मिलने की हसरत रह गई। वो चलो कभी उनको तैयार करेंगे तुम्हारी बहनों के साथ, और मामा बाबा से भी पूछेंगे कि वो उन सब के साथ शो करेंगे, क्योंकि हमारा तो फैमिली शो है। बिल्कुल, फैमिलीज देखती हैं अभी भी, जो भी तुम्हें पसंद करती हैं बुजुर्ग सारी, वो तुम्हें दुआएं दे रही होंगी सुबह सुबह। सो थैंक यू सो मच जन्नत, अल्लाह तुम्हें कामयाब रखे और तुम्हें हिम्मत दे ज़िंदगी से मुकाबला करने की, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें आती हैं तो उसके साथ
वो कहते हैं ना फूल आते तो कांटे भी आते हैं, सो इतनी तुम्हें स्ट्रांग बना दे अल्लाह ताला कि तुम्हारे ऊपर कोई बुरी चीज असर ही ना करे। इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच। और कुछ अपने फैंस को कहना चाहती हो प्लीज? तो आप लोगों ने पूरा शो देखा होगा और यहाँ पे मैंने एक ही बात की है कि जैसे उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रहें, अगर आपको कोई कुछ बुरा कह रहा है या कहीं से नेगेटिव एनर्जी आपको नज़र आ रही है तो आप उसे ब्लॉक कर दें, आप उसके साथ ना चलें, आप उसको लाइफ से निकाल दें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी फैमिली पे फोकस करें और दैट्स इट, बस अपने ऊपर ध्यान दें, इग्नोर करें नेगेटिव एनर्जी को और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ये ज़बरदस्त जी। तो एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये थी जन्नत मिर्ज़ा। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि आज मैं आपको उन लोगों से मिलवा रही हूँ जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ही उन्होंने अपनी जगह बनाई टीवी स्क्रीन्स पर आपके दिल में। सो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया, जूतियाँ घिस घिस के टीवी स्टेशन तक पहुँचे लेकिन किसी की सोर्स के थ्रू पहुँचे, लेकिन ये वाले जो मेहमान हैं मेरे आज जिनसे आप मेरे शो पर मिल रहे हैं, ये अपने बिरते पर अपने लक पे खुद इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है आपके दिलों में और आपके घरों में, इस तरह कि आपके टीवी स्क्रीन्स पर आपको नज़र आए। सो जिस सेलेब्रिटी को मैं इस वक्त दावत दे रही हूँ वो आपको एज आप उनको एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे जानते हैं, फिर आपने उन्हें टिकटॉक के अलावा जब वो एक्ट्रेस बन गई तो आपने उन्हें चांद तारा और नूर में देखा अभी तक, और सबसे अच्छी बात यह कि अभी ही उनकी फिल्म रिलीज़ हुई है जॉन और वो आपको फिल्म में भी नज़र आई। सो इतनी मेहनत के बाद एक इतना प्यारा सा इंटरव्यू तो बनता है ना। सो आइए वेलकम करते हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग, कमिटेड एंड ब्यूटीफुल रुमैसा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रुमैसा? कैसी है? आज बैठो, कहाँ बैठोगी? ये साइड अच्छी है मेरी। हाँ, ये देखो ना, ये कितना पता होता है लड़कियों को, अभी जन्नत को भी पता है कि उसकी कौन सी साइड अच्छी है। और मतलब लाइक मैं हैरान होती हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मेरी कौन सी साइड अच्छी है ना। मैं बीच में रहती हूँ कि मेरी कोई डबल चिन ना है कि यूं करके लेकिन दिस इज गुड। तो मैं मतलब ये सब चीज़ों का अंदाज़ा कि मेरे ऊपर कैसा मेकअप सूट करता है, मेरे ऊपर कैसे बाल सूट करते हैं, रुमैसा को ये अंदाज़ा कब होना शुरू हुआ? अच्छा, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं आई गेस आई वाज 16, आई डिड दिस स्टिल शूट ना किसी, और मैंने हमेशा सिर्फ सेल्फीज ली थी उस टाइम पे, नहीं बस सेल्फी लेते थे एंड यूज टू पोस्ट इट। आपको पता ही नहीं था कि कैसे पोस्ट करना है, कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है, आपकी साइड कौन सी अच्छी है, आपका कौन सा पोस्चर अच्छा है, किस टाइप का मेकअप, बाल कैसे कैरी करने, कपड़े कैसे कैरी करने, ये नहीं पता था बिल्कुल भी। तो मुझे अभी याद है कि मेरा पहला स्टिल शूट था फॉर अ बिग ब्रांड और मैंने वो शूट कर तो लिया, लेकिन उसके बाद 2 दिन का शूट था लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 1 दिन बुलाया क्योंकि मैंने इतना बुरा किया था, इतना बुरा किया था कि उन्होंने मुझे बुला के बोला, कहती है बेटा आपके एक्सप्रेशंस, आप ये क्या कर रही हैं, इसके देखिए वो कितना अच्छा कर रही है। और मैंने वहाँ सेट पर रोना शुरू कर दिया था कि ये तो मुझे मैं कर ही नहीं सकती ना, मॉडलिंग तो इज़ नॉट फॉर मी। मतलब मुझे एक्चुअली लगता था मुझसे एक्टिंग करवा लो, मुझे स्टेज पर परफॉर्म करवा लो, आप कॉमेडी करवा लो, सब कुछ करवा लो, बट स्टिल और वो जो भी है क्या कहते हैं शूज, जो स्टिल शूज होते हैं वो दिस इज समथिंग नॉट फॉर मी। मैंने हमेशा जैसे नोट किया, अक्सर मैंने टिकटॉकर्स को देखा था वो गाना लगा के पीछे डब स्मैश बना लेती थी। तुम्हारा कंटेंट जो मैंने देखा वो बड़ा फन, मस्ती, लाइवली, इस तरह की तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो उस कंटेंट से नजर आती थी, झलकती थी कि, और फिर तुम्हें चांद तारा में काम भी ऐसे मिला, वही उछलने कूदने वाली, फुदकने वाली। सो तुम्हारी एक्चुअल नेचर ऐसी है? हाँ, मैं एक्चुअली ऐसी हूँ। चांद तारे में जो माला का कैरेक्टर था नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि मेरी ऑफ कोर्स एक फैमिली साइड भी है, बट काफ़ी हद तक सेम था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं रुमैसा ही हूँ जो माला प्ले कर रही है, तो बहुत ईजी हो गया था करना चीज़ें ना, कि मतलब वो एक फैमिली का रिलेशन और थोड़ी सेंसिबल भी थी, ये नहीं कि वो एक तो थी, फन भी थी लेकिन सेंसिबल भी थी, विच आई फील लाइक के पता नहीं मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रही हूँ लेकिन तुम हो सेंसिबल जितना मैं तुमसे मिली हूँ, और मेरी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि ज़ाहिर है हम शो के अलावा भी कहीं किसी दावत पावत में भी मिलते हैं, सो मुझे लगता है कि तुम जल्दी मैच्योर हो गई हो ऐसा।
पता हाँ शायद बचकाना हरकतें नहीं कर रही होती हो, बड़ी डिसेंटली हर जगह बैठी होती हूँ, तुम्हें अपने आप को कैरी करना आता है। हाँ मतलब पता है अगर आप मुझसे भी 4 साल पहले मिली होती ना तो फिर मैं बिल्कुल डिफरेंट थी, मैं काफ़ी मतलब मैं बहुत एनर्जेटिक थी, पर जाहिर आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना इसमें आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा आप हर किसी के साथ नहीं ऐसे कर सकते, तो अब मेरे जो लोग हैं जो अपने मेरे लोग हैं उनके सामने मैं फुल, लेकिन ऑफकोर्स जब आपके सामने कोई एकदम से न्यू बहुत ज़्यादा लोग आ जाते ना तो मैं एकदम से छुप करके डिसेंट हो जाती हूँ, वरना मैं थी नहीं पहले ऐसे ही। अच्छा। पहले मैं हर किसी से बात करना शुरू कर देती थी। कितने भाई बहन भाई हैं तुम्हारे? हम 4 हैं। 4 माशाल्लाह। हाँ। तुम्हारा नंबर कौन सा? सबसे छोटी हो। सबसे छोटी हो, तो बाकी बड़े बहन भाई क्या करते हैं? मेरे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मेरी एक बहन है शी हैज़ डन अपना MBA MPhil PhD और वो भी काम करती है के इलेक्ट्रिक में, उसको सब सोचो मैसेज करने लाइट गई है लाइट गई है हमारे यहाँ, पता चल तुम्हें मैसेज आ रहे हैं, अपनी बहन को बोलो हमारे यहाँ नहीं, उसको उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो HR मैनेजर है लेकिन मैं बताती नहीं हूँ किसी को, मैं बोलती हूँ कि अगर मैं बोलूँगी के इलेक्ट्रिक में काम करते तो गालियाँ देंगे और अगर मैं बोलूँगी HR मैनेजर में तो CV भेजेंगे, तो करूँ तो करूँ क्या। फिर दूसरे नंबर वाली वो ब्रांच मैनेजर है, शी इज मैरिड, शी हैज अ किड, एक भाई है, शी इज आल्सो मैरिड, हां बैंक ब्रांच मैनेजर है बैंक में, और एक भाई है वो मार्केटिंग में हेड, लाइक सब जो है ना जॉब वाले लोग हैं, आई एम द ओनली पर्सन जो एक्चुअली। तो तुम्हारे घर में सुबह कब होती है? 9 बजे? या और तुम सो रही होती हो उस वक्त? नहीं अब थोड़ा सा हुआ है कि मम्मा देखती है कि अच्छा बच्ची यू नो एक्टिंग वाला काम तो आपको पता है ना, सुबह 10 फिर रात 10 आप इतना थक जाते हो, तो जब संडे आते तो मम्मा सिर्फ मुझे सोना अलाउ है घर में कि चलो ये 11 बजे तक सो सकती है मैक्स। अच्छा वरना चारों बहन भाई मतलब अब तो शादी भी होगी बहनों की, तो घर में मम्मा होती है अकेली? हाँ यूजुअली मम्मा सब कुछ सब गए, बच्चे शूटिंग पे गई, ये वो बैंक गई, वो फलाना गई, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके, लाइक कोई ना कोई एक मीन हम सबका साथ होता है, स्पेशली नाश्ता जो होता है वो हमारा फेवरेट मील है हमारे पूरे घर का, वो हम सब साथ करते हैं, तो आई यूजुअली मेक श्योर कि मैं जल्दी उठ जाऊँ लेकिन नाश्ता साथ कर लूँ या किसी के साथ तो कर ही लूँ, तो नाश्ता हमारे साथ होता है, बाकी कभी कभार छुट्टी भी होती है तो घर पे पूरे दिन फिर मम्मा के साथ। अब्बू को कितना अरसा हो गया इंतकाल को? 2018 में हुआ था। 2018 अगर 5 साल एक दफ़ा मैंने पहले भी रुमैसा का इंटरव्यू किया, लेकिन अगर आप लोगों को मैं दोबारा से बताती चलूँ कि तनवीर खान जो हैं वो इनके फादर थे, बड़ा अच्छा कॉमेडी में उनका एक अपना नाम रहा है, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, मैं आपसे पिक्चर भी शेयर करूँगी इन दोनों के इकट्ठे, तो वो जाहिर है मिल जाएगी, मेरी अम्मी के साथ इतना काम किया है हमारे पास होगी पिक्चर कोई ना कोई मिस करा के मिली होगी भाई, फिक्र नहीं करो। सो मैं पिक्चर भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। 2018 में रुमैसा तो बहुत छोटी होगी। हाँ आई वॉज अ टीनेजर, उसका काम भी नहीं करती थी। नहीं काम नहीं करती थी, मैं बनाती थी वीडियोस वगैरह, मैं एक्चुअली बचपन से टीवी सीरीज वगैरह करती थी, तो पापा बड़ा खुश होते थे मेरे देख के, वो काफी सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेके। बहनों की शादी भी नहीं हुई? नहीं किसी भी बहन की शादी नहीं हुई थी। हाँ। मतलब पापा की डेथ के बाद ऐसा लगता है जिंदगी फुल फास्ट फॉरवर्ड हो गई, सब कुछ एकदम से हो गया। तो जब पापा की डेथ हुई तो फिर तुम लोगों ने क्या सोचा कि आगे पढ़ाई फाइनेंशियल ये सब चीजें कैसे मैनेज की? अम्मा ने देखा, कौन था जिसने तुम लोगों को संभाला? यार बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते खोल देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं बड़ा स्पिरिचुअल बात है ये, बट मुझे लगता है मेरे पापा के जाने के बाद ना एक होता है ना कि ऐसा आपको कोई लुक आफ्टर कर रहा होता है, ऐसा लगता है ही इज़ हेयर, क्योंकि एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। बिकॉज आई मतलब जैसे हमारा ऑफकोर्स इतना कोई मेरा तो मैं कमाती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और फिर मैं सोचती थी कि अच्छा यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी है, आपको पता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी ज़्यादा है, ये भी करना है वो भी करना है। मैं टीचिंग करती होती थी तो हाँ मैं स्कूल में टीचिंग करती थी कि मुझे थोड़े बहुत पैसे मैं मतलब घर में कंट्रीब्यूट कर दूं किसी तरीके से, या किसी तरीके से अपना खुद का कर लूं, एटलीस्ट मांगना ना पड़े घर वालों से, ऐसा मैं सोचती थी। और हमारे घर में सबका ऐसा था कि कोशिश करते थे कि अपना अपना खुद कर लें, किस अम्मा पापा, क्योंकि पापा को कैंसर था तो उनका फिर इलाज वगैरह सब कुछ यू नो फाइनेंशली इट वॉज वेरी हेक्टिक। पर पापा की डेथ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कैसे, बस मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि फिज़ा की इतनी अच्छी जॉब हो गई, भाई अनबाजी की पोस्ट बढ़ गई, वो ब्रांच मैनेजर बन गई, उसकी भी शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई, आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस। उनकी शादियां किसने कराई? अम्मी ने कैसे? मम्मा ने खुद, मम्मा मेरी मम्मा सुपर वुमन है, खर्चा होता है शादी में, मम्मा मेरी बड़ी सुपर वुमन है भाई, उन्होंने ही हमें संभाला है बचपन से लेके अब तक भी। मेरे पापा से भी अगर आप पूछते अगर वो होते तो वो यही बोलते कि मेरी बीवी ने किया है सब कुछ हमारा। oh my God. तो मम्मा इज अ सुपर वुमन, वो घर वो हाउस वाइफ है लेकिन सारा सब कुछ जो भी है वो उनकी वजह से ही है आज। हाँ. तो मैं तो सारा माशाल्लाह सब कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अब तो सब बहुत सेटल है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बट अब सब दिखाओ तो मैं पिक्चर। हाँ दिखाओ भाई, सबको दिखाओ पिक्चर, ये देखें भाई इनको, भाई सब सुनील दत्त कहते थे, सुनील दत्त से इनकी रिजेम्बलेंस थी और क्या।
और ये मैंने ली थी. हाँ, मेरी अम्मी के साथ इन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत शोज़ किए हैं. और मैं कराची यूनिवर्सिटी में थी, मैंने वहाँ कॉमेडी शो अरेंज किया था, उसको ये हेड कर रहे थे, उस पर मतलब लाइक ये सारे शामिल थे. सो वो हमारी इनसे बड़ी बचपन की यादें. बेसिकली पापा ज़्यादा स्टेज पे ज़्यादा होते थे. बच्चों के प्रोग्राम करती थी ना, मेरी अम्मी बच्चों के प्रोग्राम डायरेक्ट करती थी पीटीवी में, तो उनके साथ ये बच्चों के प्रोग्राम्स में आ होते थे. अच्छा, इंडिया में भी काम किया उन्होंने? हाँ, कॉमेडी सर्कस गए एज अ गेस्ट. और साथ में राइटर भी थे ना, तो वो लिखते भी थे. अच्छा, जो स्क्रिप्ट्स वगैरह मेरी अम्मी के साथ स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं उन्होंने. हाँ, तो लिखते भी थे. छोटी थी तब. हाँ, तो फिर उसके बाद बस ये कि फिर पापा थोड़ा राइटिंग की तरफ ही ज्यादा आ गए थे. ऑफकोर्स फिर आपको पता है स्टेज का तो दौर खत्म ही हो गया था. फिर जो टीवी आ गया था, तो इसलिए ज्यादा लोग जानते हैं. माशाल्लाह, मैंने ये नोट किया तुम्हारे घर में सब मतलब अच्छे एजुकेटेड सारी बहनें सब पढ़े, तो जाहिर है फिर अपने पैरों पे भी खड़ा होता है. नहीं, पढ़ाई के मामले में मेरी मम्मा बड़ी स्ट्रिक्ट है. अच्छा. उन्होंने कोशिश की कि भाई सब अपना पढ़ाई तमीज से करो. इवन मुझे भी लेके मम्मा इज लाइक वेरी हैज ऑलवेज बीन रियली स्ट्रिक्ट विद द एजुकेशन स्टफ. के मतलब तुम्हारी क्या ग्रेजुएशन हो गई? मेरा ग्रेजुएशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. थीसिस रहता है. क्या पढ़ा? हो जाएगा. मैंने वैसे मैं बीबीए करी थी, बट आई थॉट आई शुड गो फॉर मीडिया साइंसेज, तो मैंने ट्रांसफर ले लिया था. तो मैंने मीडिया साइंसेज में किया क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है डायरेक्शन में. तुम्हारा काम है ना मतलब? हाँ, मेरा मजा आता है मुझे करने में. मुझे लगा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जो मैं इंजॉय भी करती हूँ, ताकि वो आराम से निकल जाए काम के साथ साथ. तो अच्छा सीन है. अच्छा, वहाँ से बताओ मुझे, माशाल्लाह मैंने सुना था मैं इंस्टा पे 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और टिकटॉक पे भी 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर है कि तुमने अपनी मेहनत से ही कमाए. मुझे एक बात बताओ कि तुम वायरल जब पहली दफ़ा हुई टिकटॉक पे, वो कौन सा दिन था और क्या था? कैसे लोगों ने तुम्हें पहचानना शुरू किया? हाँ, बेसिकली हुआ ये था कि मेरी बहन की शादी थी. मेरे पापा की डेथ के 8-9 महीने बाद ही मेरी बहन की शादी थी. और मैंने उस टाइम पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाती थी, तो मैं थिएटर्स करती थी अपनी यूनिवर्सिटी में ना, ड्रामेटिक सोसाइटी का पार्ट थी मैं. तो मैं बड़ी एक्टिव बच्ची थी हमेशा से ना, लाइक स्टेज पे परफॉर्म करना एंड स्टफ. तो मुझे, मैं वीडियोस भी बनाती थी बस अपनी ऑडियंस के लिए. कि मुझे नहीं शौक था कि वो मुझे फेमस होना है या बहुत सारे लोग मुझे देखें. मैं चाहती थी 4 लोग देख रहे हैं वो हंस लें देख के. तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला यूनिवर्सिटी में कि तुम अपना अकाउंट पब्लिक कर दो. और मैंने उसको बोला कि यार नहीं, मैं पब्लिक कर दूंगी तो पता नहीं क्या होगा, लोग देखेंगे ये वो. उससे बोला तुम्हें क्या पता इतने सारे पब्लिक अकाउंट है, तुम्हें बड़ा पता है तुमने बहुत वायरल हो जाना है. मैंने कहा वैसे बात तो ठीक है. हाँ. मतलब इतना यकीन था मुझे, कह सकते हैं कि मुझे लग रहा था कि कुछ हो जाएगा अगर मैंने कर दिया पब्लिक तो. हाँ. पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस कहूँ उसको, क्या कहूँ मैं. बट खैर मैंने कर दिया पब्लिक अकाउंट अपना, टिकटॉक का भी पब्लिक अकाउंट कर दिया. तो मेरी एक वीडियो थी और बहुत ही लो क्वालिटी वीडियो थी वो. मतलब मैंने बस ऐसी बहन की शादी में मैंने दुपट्टा मान के ऐसी एक बना दिया ना फनी सी वीडियो. तो मैंने अगले दिन उठी उसमें 1 मिलियन व्यूज थे. मैंने कहा ये क्या हुआ है? और मैंने देखा तो 10K 20K 30K हर घंटे ना मेरे ऐसे बढ़ रहे थे लाइक फॉलोअर्स. अच्छा मुझे लगा कि अच्छा ये सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं बाहर जाऊँगी तो लोग. बात है, ये बात है 2019 की. तो मुझे लगा कि अगर मैं बाहर जाऊँगी कौन सा लोग मुझे पहचान लेंगे, ये तो ऐसे फॉलोअर्स देख रहे हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा. अब हुआ ये कि सब ऐसी ना सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स ने मिलकर सोचा कि भाई लाहौर से भी आए हुए थे कि हम लोग मिलते हैं किसी मॉल शॉल में मिलते हैं. मैंने कहा हाँ हाँ मैं भी मिलूंगी. मैं तो उनकी फ़ैन थी, मुझे थोड़ी पता था कि मुझे जानते होंगे. उनमें से किसी एक ने ना मुझे बुला लिया. अब मैं चली गई तो मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द रश लग गया. हाँ. मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए पिक्चर खिंचवाने. हाँ वो कहते हैं हमारे साथ पिक्चर ले. मैंने कहा क्यों वाई क्यों नहीं मेरे साथ पिक्चर? कहते हैं आपकी वीडियोज़ हमने देखी. अच्छा फिर मुझे हुआ कि ओ लाइक लोग मुझे जानते हैं. हाँ. अच्छा तो मतलब लोग पिक्चर्स लेना चाहते हैं मेरे साथ, मुझे तो यकीन नहीं आया. तो उस टाइम तो बिल्कुल ही मैं घर पे आके मैंने मम्मा को बताया. मैंने कहा मम्मा मुझे लोग जानते हैं, मतलब ऐसे कहीं लोगों ने मेरे साथ पिक्चर ली, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, बट ऐसे ही हुआ था. अच्छा तुम्हें शौक था वैसे टीवी वगैरह पे आने का पहले, क्योंकि बहन भाई तो सब अलग अलग फील्ड में. मैं जब से पैदा हुई थी पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही थी कि मुझे हाँ मैं बता रही हूँ. मैं बचपन में पैदा हुई कि मैं लिटरली ना मैं लोगों की नकलें उतारती थी बहुत ज़्यादा. स्कूल में भी मैं अपनी प्रिंसिपल की नकल प्रिंसिपल के सामने उतार देती थी. अब तो पता नहीं मैं, मतलब मैं बहुत शरारती थी. मतलब वो थी कि लाइक फर्स्ट भी आती थी क्लास में तो कोई टीचर कुछ बोल नहीं पाता था मुझे, लेकिन मैं इतनी बात होनी थी. मतलब मेरी, मतलब टीचर्स को रोस्ट कर देना, लाइक टीचर्स को रोस्ट कर दिया, वो भी बेचारी हंसती थी, वो क्या ही बोलेंगी. उनको आदत हो गई थी कि रुमैसा ऐसी ही है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. और मतलब इतना हो गया था कि मेरी एक टीचर ने मुझे एक दफ़ा बोला भी, कहती है मैं चाहती हूँ कि एक दिन ना मैं तुम्हें टीवी में देखूँ. मतलब काफ़ी पूरे स्कूल में ना मशहूर थी और सबको लगता था कि ये एक्ट्रेस बनेगी. पॉपुलर होता ना आप स्कूल में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में,
सो कोई ना कोई वो स्पार्क होता है, वो आगे निकलता है बंदा, डिबेटर होता है, वो होस्ट बन जाता है, मैंने अक्सर ये देखा है. सो स्पार्क तुम्हारे अब्बू की जीन्स मुझे लगता है सबसे सॉलिड तुम्हारे अंदर है. मैं बिल्कुल पापा की शक्ल में भी कॉपी और हरकतों में भी कॉपी है बिल्कुल. वो भी रिस्पॉन्सिबल से ना, उनको नहीं फर्क पड़ता था, वो गो विद द फ्लो वाले. मेरा एग्जैक्ट सेम है. अच्छा मेरी मम्मा है वो ऐसी है, थोड़ी चीज़ें प्लान सब कुछ हर जगह पे होना चाहिए, ये होना चाहिए. तो मुझे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तनवीर तुम हो, मतलब तुम मेरा मियाँ हो. कहती है तुमने कोई आदत नहीं छोड़ी, तौलिया तुम फेंकती हो, तुम वो करती हो. मैं कहती, और मैं होती हूँ कोई बात नहीं, चिल करें, कुछ नहीं होगा, खैर हो गई, क्या सोचना ये वाला सीन. मैं जैसे अब मैं अगर तुम्हारा पिछला इंटरव्यू देखती हूँ जो काफी 3 साल पहले था आई गेस, है ना, ये आपके साथ जो किया था जो, हाँ उसमें, हाँ अब उस वक्त देखती हूँ रमैसा को और अभी देखती हूँ तो माशाल्लाह वेल ग्रूम्ड, अब चेंज आया एक रमैसा में, पहनना ओढ़ना, बाल, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, कैसे आया डिफरेंस, किसने गाइडलाइंस दी, कैसे आया? यार आई मीन बंदा ऑब्जर्व करता है उस टाइम के हिसाब से, मुझे लगता है वो सही था. ठीक है, क्योंकि जाहिर है अब फैशन आपको अडेप्ट करना पड़ता है ना साथ साथ. ग्रूम भी होते हैं आप. हाँ ग्रूम होते हो आप, अडेप्ट करते हो चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है. अगर आप, मैं वही वाली बात है ना कि अगर मैं वही करने लग जाऊँ जो पहले होता था और लोग चेंज हो जा रहे हैं तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो आपको साथ साथ ना अपनी सोसाइटी के साथ साथ चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेंगी कि अच्छा ऐसे अब ये स्टाइल आ गया है, अच्छा अभी ये स्टाइल आ गया, ये बाल क्या भंड किए तुमने पहले, मेकअप ज़्यादा कर लिया. मैं मुझे यकीन नहीं आता मैं ब्लू लेंसेज लगाती थी और मुझे देख के होता है कितनी उबाई. अब मैंने बोला अल्लाह मेरी माफ़ करे, नीली आँखें कौन करता है ऐसा यार. मतलब कितने दिन तक तुमने नीली आंखें रखी? नहीं रखी नहीं, मतलब मैं लेंसेज लगाती थी, मुझे लगता था ब्लू आईज वाओ, मुझे पता नहीं क्यों लगता था. और मैंने और भी बड़े भंड मारे, मतलब वही कि ड्रेसिंग में भंड मार दिया होगा कभी मैंने, कोई फ्रिल वाली फ्रॉक पहन के चली गई कहीं. आजकल काफी करती हैं कुछ लड़कियां, नाम नहीं मैं लूंगी. नहीं अब तो नहीं करती, अब तो मैं ख्याल करती हूं. पहले हां पहले मैंने बहुत भंड मारे हैं, बहुत. मैं बता रही हूं मैं टीचिंग करती थी और मैं इतनी पागल थी, मैं 2 छुट्टियां मांग के गई थी टीचिंग करने. सोचो टीचर 2 छुट्टियां मांग के गई है, कैन यू इमेजिन. वो बच्चे बोल रहे तुम्हारी क्लासमेट है, 2 छुट्टियां कौन मानता है. मेरी बहन ने बड़ा मजाक उड़ाती है मेरी बात का. पर जाहिर इंसान, हर हर इंसान ना अपने अपने टाइम पे होता है बुरा, ऐसा कोई पैदा होता ही नहीं ग्रूम हो जाता. हो, किसी ऑडिशन में गई हो और पता नहीं क्या तैयार होके चली गई, कुछ याद है कोई ऐसी चीज? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ. लेकिन हाँ मैं यही कह रही हूँ कि बस इंसान हर कोई पैदा होता ही ग्रूम नहीं हो जाता. चीज़ें सीखती हैं, आपको सीखनी चाहिए. एंड आई एक्सेप्टेड कि भाई मेरे अंदर थे ऐसे, मैं तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, हम सब ने ही किया है गैस. ग्रे मेकअप कर लेते हैं हम. हाँ अपने टोन की बेस ही लगाई. एग्जैक्टली नहीं पता होता था उस टाइम पे आपको कि अच्छा यार आपको एक्सेप्ट करना है अपने आप को, आप जैसी स्किन है जैसे आप हो उसको एक्सेप्ट करना है, उसके हिसाब से ड्रेसिंग करनी, जरूरी नहीं हर चीज़ पहननी नहीं है. अच्छा कैसी हो तुम, झल्ली लड़की हो, अपना ख्याल रखती हो, नहीं रखती हो, किस अब रखती हो, पहले रखती थी, क्या कैसी है तुम्हारी पर्सनालिटी? यार मैं जब बहुत छोटी थी ना तो मैं बहुत ख्याल रखती थी अपना, पता नहीं क्यों. मतलब कैसे जैसे टोटके वोटके करती थी, शहद मुंह पे लगा लिया. जब मैं छोटी बच्ची थी ना तो मेरी मम्मा मुझे बताती है कि मैं सेल्फ ऑब्सेस थी, मतलब मुझे लगता था मैं बहुत प्यारी हूँ, पता नहीं क्यों लगता था मुझे. मुझे या तो मैं सबसे छोटी थी तो लाड प्यार करवा करवा के, और अब मैं उतनी ही इनसिक्योर हूँ. अब मुझे मैं बिल्कुल प्यारी नहीं लगती, मैं बोलती हूँ यार ये क्या है, अपने आप शक्ल में देखी बोलते क्या किया है तुमने. अब इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ यार देख के आपका दिल जलता है यार, आपके यार ऐसे इतनी प्यारी है. बस हाँ घर वालों ने चढ़ाया हुआ था तो मैं हर वक्त शीशे के सामने बैठ के ऐसे देखती रहती थी. और मुझे ना पता नहीं वो बचपन में यार क्या दिमाग में डाला हुआ था, गोरा कॉम्प्लेक्स ना कि वो मैं तो अच्छा बचपन में बहुत ना पठान लगती थी मैं. हाँ. तो अब ना मुझे शौक था कि मैं बस गोरी हो जाऊं, अल्लाह माफ करे. बच्ची थी नहीं, मैं यही बोल रही हूँ कितना हमें एजुकेट नहीं किया गया इस बारे में. हाँ. काश हमारे माँ बाप ने बताया होता, बट बचपन में हम सब एक दौर से ऐसे गुजरे हैं. अब तो आई लाइक माई सेल्फ द वे आई एम, बस ये यही कलर है. ब्यूटीफुल बस सही है भाई, आई डोंट केयर. अब उस टाइम पे था तो मैंने ना एक दफ़ा क्या किया, अब टेलकम पाउडर लगा लेती थी मैं मुंह पे गोरा होने के लिए. अब लाइट बनती, थोड़ी थोड़ी रोशनी आई थी, मेरे पापा सो रहे थे, मैं शीशे में गई और मैंने गीले मुँह पे टेलकम पाउडर लगा लिया. और मैं यूँ लगा रही हूँ, जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा पूरा मुंह वाइट, और मैं चिल्लाई, मैंने कहा अम्मी मैं भूत बन गई, अम्मी मैं भूत बन गई. मेरी मम्मा हंस रही है, कह रही है तुम भूत नहीं बनी हो. अच्छा एक्चुअली था कि मैं भूत बन गई हूँ, ये मैंने कर लिया और मैं भूत बन गई हूँ, छोटी थी बहुत. हाँ. तो ये सीन हुआ था, इतना मुझे था कि मैं तो बस बड़ी हसीन हूँ. मतलब मेरी घर पे एक थी, वो काम करने आती थी हमारे घर पे, और मैं उनसे लड़ती थी. मैं कहती थी मैं तो बहुत प्यारी हूँ, आपने अपने आप को देखा है, मैं पता नहीं क्यों, मतलब
मुझे तुम्हारी अम्मा ने बताई, मेरी अम्मा मुझे बताती है, मुझे अपने आप से नफरत होने लग गई है कि ये मैं बचपन में ऐसी क्यों थी। बट नहीं, ऑफ कोर्स वो बचपन में कर दिया होगा, कुछ बोल दिया होगा, तो अब नहीं हूँ। और क्या, और क्या, और क्या। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम रमेशा से और करेंगे बातें, मजेदार दिल की बातें, इनके दिल की, हमारे दिल की बातें। हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एंड रमेशा खान हमारे साथ। माशाल्लाह फिल्म स्टार भी बन चुकी हैं, फिल्म भी इनकी आ गई है, ड्रामों में भी आपने इनको देख लिया है। सो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें इनकी ज़िंदगी के साथ अटैच्ड हैं। तो मैंने कहा कि यार वो सारी किस्से तुम कैसे सुनाओगी, तो हमने क्या किया कि कुछ पिक्चर्स हैं जिनके थ्रू ये एक दफ़ा हमें फ्लैशबैक में ले जाएंगी कि इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो आइए पिक्चर से शुरू करते हैं। आइए पहली पिक्चर, रमेशा ये फैसल बैठे हुए हैं, फैसल से पीछे कौन है? मेहरबानो। मेहरबानो है, तुम हो, और फिर तुम्हारे पीछे कौन है? वर्दा। वर्दा, ओके। तो ये क्या कहानी है, तुम लोग स्टेडियम में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? बेसिकली हमने अभी रिसेंटली एक फिल्म शूट किया है। अच्छा। और इस ये इतनी सर्दी थी कि हम सब बीमार पड़ गए थे बहुत ज्यादा। तो हमें एक्चुअली रीशूट करना था, तो ये हमने फुटबॉल के ऊपर एक मूवी बनाई है। और ये शहर कौन सा था? ये हम कश्मीर में शूट कर रहे थे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर्दी की बात है। हाँ, तो कश्मीर में और सर्दियाँ और इतनी सर्दी, तो हम लोग ऐसे करते थे कि हम लोग फ़ौरन जैकेट पहनते थे, सीन करते थे, फिर वापस अंदर चले जाते थे, भाग जाते थे हीटर लगा के, फिर बाहर करते थे। बट वो सो हार्ड कि उसके अभी भी याद है कि हम सबको अगले दिन जो है 103-102 बुखार हो गया था। सब बुखार में पड़े हुए, सब बुखार में पड़े हुए। पैसे भाई तो निकल गए थे। हाँ। अगले दिन अल्लाह हाफिज़ मेरा हो गया, हम लोग तो वही फुल। लेकिन काफ़ी बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट था। हाँ। बहुत मज़ा आया, अभी इंशाल्लाह आएगा जो भी है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में। हाँ, नेक्स्ट चीज़ बताइए भाई, नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए। ये छोटी रूम ऐसा है? लोग तो मुझे बहुत बुरा मैं बच्ची थी इसलिए बोलती थी, मुझे जज नहीं करना है। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली ना मेरे घर जहाँ मैं रहती थी, तो हमारा था एक मोहल्ला। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग ना मोहल्ले वाले मिल के ही ना पार्टियां करते थे, कभी हलीम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, 14 अगस्त मना रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो नीचे मेरे पापा फंक्शन करवा देते थे 14 अगस्त का। ओके। सामने फ्लैट था हमारे, फ्लैट के सारे लोग पैसे मिलाते थे और हम लोग 14 अगस्त वो, और मतलब ना प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी मोहल्ले में कि ये परफॉर्मेंस दे गई है। हाँ। अब मुझे इसमें सही से बोलना नहीं आता था। अच्छा। तो मैंने दिल दिल पाकिस्तान ऐसे गाया था, दिल दिल मच्छिंदान जा मच्छिंद, आई डोंट नो, मैं पाकिस्तान को मच्छिंदान कहती थी, आई डोंट नो हाउ। तो ये पिक्चर बड़ी यादगार है मेरी, तो मैं अभी भी देखती हूँ। प्लस मेरे बाल इतने कर्ली थे। हाँ। ये पता नहीं स्ट्रेट हो गए अभी तो करे में, लेकिन मेरे स्ट्रेट हो गए हैं बाल। बट मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे बाल बिल्कुल कर्ली थे, मकरानियों वाले। हाँ, जो कर्ली होते, मकरानी हाँ। तो नहीं, मतलब एंजेलिन मलिक टाइप, व्हाट्स मकरानी। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। हाँ, ये क्या है? ये अगेन कश्मीर की पिक्चर है, फुटबॉल वाली। अब बेसिकली हम जब कराची में होते हैं ना। हाँ। तो लोग हमें इतना पूछते तो है नहीं, सब यहाँ पर ना अपने में स्टार है। हाँ। हम बोलते हैं हाँ, हमें तो देखने को मिलते रहते हैं ये लोग और कोई। लेकिन जब आप ऐसे शहरों में जाते हो ना, गुजरांवाला जाओ, आप गुजरांवाला जाओ, फैसलाबाद जाओ, तो वहाँ इतना प्यार मिलता है। तो जब मैं कश्मीर गई, मुझे लगा था कश्मीर वाले लोगों ने मुझे कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा शायद, लेकिन दिस वॉज द रिएक्शन उन लोगों का। और मैंने कहा व्हाट, मतलब इतने सारे लड़कियां आ गई थी। तो वो तुम्हें कैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के तौर पे या चांद तारा? नहीं नहीं, वो उस टाइम पे चांद तारा नहीं आया था, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही जानते थे। और काफ़ी लड़कियां आई और इतने लोग आए मिलने, और जो वहाँ देखने को मिला ना, मुझे यकीन नहीं आया। मतलब एक कुछ, मतलब वो, मतलब लोग पीछा कर रहे थे आपका, मतलब यहाँ यूजुअली ऐसा नहीं होता। हाँ। कोई किसको क्या ही पूछता है, बट उधर एक बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला मुझे। ओ ग्रेट। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये यादगार तस्वीर, मैं तो कश्मीर की शाहरुख खान हूँ। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, ये क्या है, ये शरारती है यार, ये ऐसी थी शरारती में, मेरी स्माइल अभी भी ऐसी दिखे। सेम। तो ये इस तस्वीर से क्या याद वाबस्ता है? यार मुझे ना याद है, हमारे घर में ना एक कैमरा हुआ करता था बचपन में, उससे हम बस पिक्चर्स लेते थे। तो वो वाला कैमरा होता था जिसकी रील आई गेस धुलने जाती थी। हाँ। और उसमें
तो आई गेस ईद थी या क्या था, तो ये पिक्चर मुझे मैंने बस भेज दी. तो मुझे बड़ी क्यूट लगती है ये पिक्चर, बिकॉज इसमें संभाल के भी रखी है. मैंने संभाल के इसलिए रखी है क्योंकि मेरे पास मेरी मम्मा ने संभाल के रखी है सारी पिक्चर्स. पता है कैसे, सारे एल्बम्स बने हुए और हर पिक्चर के पीछे उसकी डेट है. ओह माय गॉड, कि ये इस डेट की पिक्चर है और ये इसमें ये रुमैसा इतने साल की है, रुमैसा इतने, सब कुछ लिखा हुआ है हर पिक्चर की. भाई अम्मी इतनी वेल प्लान्ड है भाई, मैं बता रही हूं उनको OCD प्रॉपर. ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. लेकिन बड़ा क्यूट है हर पिक्चर की. तुम्हें पता है क्या चीज उसके पीछे हुई, क्या किस साल की पिक्चर है, क्या हुआ था, ये वो सब वो पीछे लिखा हुआ है. बट ये मुझे याद है किस्सा. हाँ, नेक्स्ट पिक्चर देखिए. ये मैंने ना अपने दो मैं ना ड्रामा करा है नूर. ये दिखाओ दोबारा, ये कौन है तुम? हाँ अल्लाह, मैं सब लग ही नहीं रही. मैं बताती हूँ, बेसिकली नूर ड्रामा ने मेरा मेकअप किया था कि मैं किडनैप होती हूँ, मैंने 8-10 दिन से खाना नहीं खाया हुआ होता और ये वो, तो मेरी ये हालत हो जाती है. तो मैंने अपने दोस्तों को ये भेजा था और मैंने उनको बोला था कि मैं मरने वाली हूँ, ब्ला ब्ला. मतलब मैंने कहा मैं किडनैप हो गई हूँ, प्रैंक किया था उनके साथ. ओह माय गॉड, मैंने कहा मैं रो रही हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ. कुछ नहीं पता था मैं हूँ कैसी, तो माना ही नहीं कोई. कच्ची हो गई तुम्हारी. मेरी होती रहती है. हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर. ये क्या है, जेल में बंद है? ये शहरोज. ये नूर का ही ड्रामा है. अब इसमें हुआ ये था कि मेरा था, मैं ना बीच में ना चांद तारा साथ चल रहा था, साथ में नूर चल रहा था. तो मैं ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी. अब होता ये कि जब मैं ना सोई हुई हूँ, मतलब 2 घंटे 1 घंटे की स्लीप पे हूँ ना, तो मुझे आती है फुल एनर्जी बूस्ट. मतलब पागल हो जाती हूँ. हाँ, मैं ऐसा लगता है कि नींद में पागल हुई भी होती हूँ. मतलब मैं उल्टा ये कि मैं यूं मैं उल्टा बहुत चार्ज हो जाती हूँ. मेरे साथ भी ऐसे ही होता है. हाँ, मैं ये फुल ना कि अब ये एक सीन रह गया था करना. मैं चांद तारा की शूट से नूर की शूट पे गई, ठीक है, अब 11 बजे से 1 बज गया और एक सीन नहीं होके दे रहा था और वो ये सीन था. और क्या तुम हंसी जा रही? और मैं हंसी जा सीरियसली. नादानिया की शूटिंग के दौरान दानिश, यासर और मुझे कभी दौरा पड़ जाता था हंसी का, और हमसे खुद कॉमेडी नहीं हो रही होती. फैजान कह रहा है भाई माफ कर दो, फैजान भी था हमारे साथ, बड़े जबरदस्त स्टार है वो शहरोज. और बस, और था भी सीरियस सीन ना. अब वो आंखों में आंसू आए हुए और मैं और हंसी निकले जा रही है और बड़ा मुश्किल से सीन हुआ. 1 बज गए थे. बट ये बड़ा कैप्चर की है. मैंने पिक्चर ली थी इसकी. नेक्स्ट पिक्चर. और भी कुछ है ये क्या? ये तो बड़ा स्कैरी इससे स्टोरी वाबस्ता है. तो बेसिकली हमने मेरी बहन, यूजुअली मैं मम्मा के साथ ट्रैवल करती थी हर जगह ना. तो एक बार मेरी बहन और मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों ना अब अकेले जाएंगे, ट्रैवल करेंगे अपने दोस्तों के साथ, मम्मा को नहीं लेके जाएंगे. वो हम वो दिन था, आज का दिन था, मैंने तौबा कर ली कि मम्मा को लेके जाना चाहिए. क्योंकि जब मम्मा साथ में थी शी इज़ माय लकी चाम भाई, वरना बड़ी गड़बड़ी होती है. अब हुआ ही हम इस्लामाबाद में थे और इस्लामाबाद से मैं और मेरी बहन वापस आ रहे थे और वही सेम सीन के नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, तो फुल हाइपर एक्टिव ना. अब हम हंसे जा रहे हैं जहाज पे पूरे टाइम हंसे जा रहे हैं. अब कराची लैंड होने वाला था तो तूफान आ गया, ठीक है, कराची में मिट्टी का तूफान आ गया. अब वो लैंड करने की कोशिश करें, जहाज फुल पूरी तरीके से टर्बुलेंस, वो फिर ऊपर जाएँ, फिर नीचे आए, फिर अब 1:30 से 2:30 बज गए, हम हवा में ही थे, ठीक है, और हमें पायलट कुछ नहीं बता रहा और पूरा अंधेरा हो गया है बाहर, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है बस ये दी एंड. मेरी बहन और मुझे वैसे ही बड़ा ना एंजाइटी है भाई जहाज से, जिसको नहीं है वो झूठ बोलता है, ठीक है, मेरी तो बहुत पैक होती है, सीधी बात है. तो मेरी बहन, मैं फिर हिम्मत करके बैठी, मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, कहती है मैसा दिस इज़ इट. मैंने कहा माफ़ करो, मैंने रोना शुरू कर दिया. मैंने कहा तुम मुझसे बड़ी हो, तुम तो ऐसे नहीं बोलो. और बस फिर वो हुआ ये कि बस 3:30 बज गए, 3 बज गए, फिर उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की, फिर वो मुल्तान में. अब मुल्तान में नाम किसी को जानते, कराची आने वाले थे, नहीं हो पाई लैंडिंग, तो मुल्तान लैंड हो गए. फिर वो मुल्तान एविक्ट हो गई फ्लाइट, ठीक है, क्योंकि बेसिकली कराची का मौसम सही हो ही नहीं रहा था. तो उन्होंने बोला कि अभी लैंडिंग तो करनी पड़ेगी, 1:30 बजे लैंड होना था, 3:30 हो गए हैं, पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल ही जलता है, क्या जलता है, आई डोंट नो ब्रो, मुझे नहीं पता. मैं एडी पायलट थोड़ी हूँ, क्या मुझे क्या पता, मुझे भी फ्यूल ही पता है, मुझे फ्यूल पेट्रोल जो भी जो भी होता है, तो वो खैर फ्यूल जो होता है, तो वो उन्होंने मुल्तान में लैंड कर दिया. अब मुल्तान में हम किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं पता क्या करें. और उस प्लेन में वापस बैठ के कराची आना, मेरी उस टाइम पे हिम्मत नहीं बची थी, मैं इतना एग्जॉस्टेड थी, मैं और मेरी बहन. हमने बोला अब क्या करें, हम गए बस जो होती है डेवू होता है जो भी होता है, उसमें बैठ गए और लाहौर चले गए, क्योंकि उधर जानने वाले कुछ थे.
फिर लाहौर चले गए, फिर हम वहाँ 4-5 दिन रहे डर के मारे, कराची वापस नहीं आ रहे थे कि प्लेन में आना पड़ेगा। फिर 5 दिन बाद वापस कराची आए ट्रेन में बैठ के, और फिर उसके बाद तुमने अहद कर लिया कि अम्मी आपने हमारे साथ चल, क्योंकि उस टाइम पे ना, लेकिन बड़ी एक ना मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा वो एक मेमोरेबल मेरे लिए इतनी अच्छी मेमोरी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ना जब हम मतलब जब उड़ रहे थे तो मैं हम ये सोचे थे कि अभी यार वापस कराची जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, शूट पे जाना है, ये करना है। लेकिन जब वो प्लेन वाला सीन हुआ ना उस टाइम पे वो काम नहीं याद आ रहा था। उस टाइम पे अपने जो क्लोज लोग होते हैं ना वो याद आ रहे थे कि यार अभी मम्मा साथ होती है, काश एक बार इससे बात कर लेते। तो मुझे इससे रियलाइज़ हुआ कि ये सब कितना टेम्प्ररी है और जो एक्चुअली परमानेंट चीज़ें हैं वो आपके आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके क्लोज पीपल हैं। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ। तो मुझे बड़ा कितना प्यार है तुम्हें। अरे शदीद, मेरे मुंह पे दिख नहीं रहा आपको, देखें तो पूरी पतली। तुम्हें टेंडेंसी है, मोटी हो जाती हो, डाइट करनी पड़ती है? ऐसे मोटी होती हूँ मैं तो फिर करती हूँ डाइट। हाँ बेसिकली हुआ ये कि मैं पता है लास्ट टाइम जो आपके शो में आई थी, आपने देखा होगा मुझे, मैं उस टाइम पे 62 kgs थी। 62 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और मैंने जॉन फिल्म भी तभी की थी, और फिर जॉन फिल्म ना शूट 2 साल में हुई, तो बीच में ना फुल ट्रांजिशन भी आई है मेरी, मोटा कभी मोटी हो जाती कभी पतली। तो उस टाइम पे फिर हुआ ये कि पता नहीं मैंने जिम करना शुरू करा, मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया, क्योंकि मेरे अराउंड ऐसे लोग थे जो अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रख रहे थे। क्योंकि पहले तो ना वो दोस्त थे ना जो बस आओ खाते हैं पीते हैं, फिर जब हम इंडस्ट्री में आते हो आप देखते हो लोग काफ़ी अपना ख्याल रखते हैं चीज़ का। तो फिर मुझे मोटिवेशन हुई, मैं गई जिम लगातार 1 साल, जिम गई और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 kgs लूज़ किया। वेरी गुड। अभी दोबारा बढ़ गया। खैर अच्छा, अब मैं तुम्हें कोई चीज़ें दिखाऊंगी और तुमने उनमें से चूज़ करना है कि तुम्हारा, जैसे तुम अभी कह रही हो ना कि किन के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं, जैसे तुमने ये बात कही है इसी से मैं आगे शो को बढ़ाती हूँ। सो आप दिखाइए जी पहली तस्वीर। ये जो खाना है, कौन सा ऐसा खाना है जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा मुमकिन नहीं? इधर देख लो ना मेरी तरफ, उधर क्यों देख रही है? ये रहना अच्छा। मुझे मैं मार्बल वहाँ देख रही हूँ यार। ये फास्ट फूड आई लव फास्ट फूड, नूडल्स भी बड़े पसंद है मुझे, सभी पसंद है, मैं क्या कह रूँ। ये तो सारी ऐसी तस्वीरें हैं ना, कोई अपनी तरफ से बोल, ठीक है फास्ट फूड आई वुड से हर हफ्ते खा सकती हो, हर रोज खा सकती हो। ये फ्रेंच फ्राइज में मेरी जान अटकी हुई है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। ओके, फ्रेंच फ्राइज दिख गए मुझे उधर तो मैं बोलूंगी वो वाला खाना। अच्छा भाई नेक्स्ट क्लिप दिखाए। कौन सा दोस्त ऐसा है जिसके बगैर तुम कहते हो मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकती, मुझे उसे फोन भी करना है, बात भी करनी है, दिन की बातें ना सुना दूं तो सुकून नहीं आता? यार मेरे ना 3 दोस्त हैं। अच्छा। जो कि मुझे लगता है मेरे दिल से बहुत बिल्कुल वो है ना, फैमिली है मेरी। हाँ। मतलब वो फ्रेंड्स नहीं है, मतलब उनका मेरे घर में ना, मेरे कभी जिंदगी में ऐसे दोस्त बने नहीं है कि घर पे आके रह रहे हैं साथ, ठीक है। मतलब अगर मेरी बहन की शादी होने वाली है तो वो लोग प्लान में साथ शॉपिंग और ये सब। ऐसा बिल्कुल फैमिली। तो दो तो एक तो लाहौर में है, तो उसके साथ ये होता है कि उसकी शादी हुई तो मैं लाहौर गई, वो हुई तो वो कराची आया, ऐसा कुछ होता है। कब की दोस्त है? हम लोग 4 साल से दोस्त हैं, 4-5 साल। कॉलेज वॉलेज की? नहीं, हम लोग सोशल मीडिया पे मिले थे। हम ना नाम है उसका, शी इज फ्रॉम लाहौर। तो हम लाहौर में जब भी लाहौर जाती हूँ उसके साथ, हम ट्रिप पे भी गई, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और फिर एक है समरा और समन, एक है मेकअप आर्टिस्ट है वो मेरी, एक तरीके से बड़ा अच्छा मेकअप करती है वो समरा। वो ऐसी है कि वो मेरे घर पे आती रहती है, मेरी मम्मी ने उसको हमारा फैमिली मेंबर मान चुकी है। वो ऐसा लगता है हमारी घर की बेटी है वो, ऐसा वाला सीन है उसका। और एक है समन, वो लाहौर शिफ्ट हो गई लेकिन जब तक वो कराची में थी तो हम उसके घर पे पड़े रहते थे। तो ये 3 मेरे दोस्त हैं। सोशल मीडिया पे आने के बाद दोस्तें बनी है यार? हाँ ऐसा है, क्योंकि मसला ये हो कि जो पुराने दोस्त थे ना वो अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट उनसे इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं काम कर रही थी, उन सब की शादियाँ हो गई ज़्यादातर की, और किसी कोई अपने फैमिलीज में बिजी है कुछ, तो उनसे इतना नहीं बात रह पाई। लेकिन अभी भी मेरे बहुत स्कूल फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे, लेकिन ऐसा होता है 2-3 साल में एक बार मिल ली। ये ऐसे हैं जिनसे हर हफ्ते में 2 बार मिलना वाजिब है। डन। नेक्स्ट क्या है भाई? पिक्चर। फेवरेट मी टाइम क्या है? माशाल्लाह जब तुम इतनी सी उम्र में इतना सारा काम कर रही हो तो जाहिर मी टाइम भी होता है, और इस एज में तो चाहिए मी टाइम भाई, खेलना कूदना एंटरटेनमेंट। यार मी टाइम मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी बंदी हूँ मुझे स्पेस ना मिले तो मैं शायद भाग जाऊँ कि मुझे बस ना, तो मेरा मी टाइम कुछ नहीं होता। मेरा सेल्फ केयर इज मी टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बैठ के नेल पेंट लगाना शुरू कर दूंगी, स्किन केयर कर लूंगी, या मैं बस अपने नेटफ्लिक्स कोई सीरीज देख ली, गाने सुन लिए। हाँ। गाने गा रही हूँ कैरियोके सिंगिंग अकेले बैठ के। अच्छा। गाना नहीं गाना आता मुझे, बट ऐसे अपने फन के लिए। हाँ। ठीक है, ये मेरा मी टाइम है कि बस मैं पढ़ी रहूँ, क्योंकि लेजी रहो ये वो।
और भी बहुत कुछ, मैं कभी कभी अकेले खाना खाने भी चली जाती हूँ यार, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ बड़ा मजा आता है, मैं मूवी भी देख चुकी हूँ अकेले। नहीं कहो यार, दिस इज सो गुड। लेकिन आई लाइक पीपल अराउंड मी, मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है कि भले मेरा मी टाइम ना मेरे कम्फर्ट लोगों के साथ ही होता है, मतलब बस वो साथ बैठे रहे मेरे, भले हम लोग बात ना करें बट साथ बैठे हों और हम अपना फोन यूज कर रहे हों और कभी कोई बात आ गई, ये मेरा मी टाइम हो जाता है। गड्ढे यार। हाँ भाई, नेक्स्ट कार्ड क्या है? अच्छा, फेवरेट लिपस्टिक शेड क्या है, जैसे होता है ना जो हर वक्त आपके पर्स में पड़ा रहे, यार ये ही लगा लेती हूँ, सिक्योर है ये लिपस्टिक का शेड। आई लाइक टिंट वैसे, लेकिन न्यूट जितने भी शेड होते हैं आई रियली लाइक देम। मुझे बहुत डार्क लिपस्टिक्स नहीं पसंद, बट कभी कभी अच्छी भी लगती हैं। तो टिंट पे तुम ज्यादा रिलाई करती हो? हाँ, टिंट या कोई भी न्यूट सा शेड, कोई ब्राउन सा, ब्राउन पिंकी सा कोई शेड, वो मुझे ज्यादा पसंद है। डार्क कभी कभार, बहुत रेयरली। हाँ, कोई कोई ब्रांड है ऐसी जो तुम जिसको अपने साथ लगा के रखती हो, खत्म नहीं होने देती, जिस जो तुम्हारे लिए मतलब फेवरेट ब्रांड बन चुकी है? गलत बंदी से पूछिए आप ये सवाल, मुझे मेकअप ब्रांड का कुछ नहीं पता। भले कोई भी, बस आई डोंट नो एक है वो NYX लिखा होता है उस पे, वो कौन सा ब्रांड है? NYX। ओके ओके। हां भाई, नेक्स्ट, मोबाइल ऐप, एप्लीकेशन नहीं, मोबाइल ऐप कौन सा तुम्हारा फेवरेट है? इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं अब तो कितने कितने से आ गए। इंस्टाग्राम मेरा फेवरेट है, ऑफ कोर्स। इंस्टाग्राम आजकल वही चल रहा है, मजा आता है उसकी रील स्क्रॉल करो। फेसबुक वाले कहते हैं बुड्ढों के पास है फेसबुक, ये क्या चीज है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मीम्स वगैरह सबसे पहले जो है फेसबुक पे आती हैं। हाँ। है ना, शुरू फेसबुक से होती है फिर आपको इंस्टाग्राम। मुझे फेसबुक के बारे में इतना सब कुछ पता नहीं है, मैं भी नहीं यूज करती हूँ। बहुत लेट आई हूँ इंस्टा पे। उनसे भी फायदा होता है फेसबुक के फॉलोअर्स से? हाँ होता है, फेसबुक पे तो आई गेस मोनेटाइजेशन भी है। आई गेस सो, जो फेसबुक का पेज होता है तो उस पे फॉलोअर्स का कोई सीन है। जैसे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, फेसबुक के फॉलोअर्स का क्या फायदा होता है ये बताओ, कोई फाइनेंशियल फायदा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आप जब इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो तो आपके पास जब ऑडियंस होती है तो ऑफ कोर्स ब्रांड्स यू नो वुड लाइक टू वर्क विद यू, दे वांट द ऑडियंस, तो आपको हायर करते हैं। फेसबुक पे भी कभी कभार आपको ऐसा होता है कि फेसबुक पे थोड़ा अलग ये भी होता है कि फेसबुक वाले खुद भी मोनेटाइजेशन आपकी ऑन होती है और आपको पे करते हैं, जैसे यूट्यूब पे होता है। ऐसा होता है? ये तो हमें पता ही नहीं है। मुझे भी कुछ टाइम पहले पता चला बट ऐसा होता है, पता नहीं मेरी ऑन नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको जानती हूं जो फेसबुक से एक्चुअली अर्न करते हैं। ओके। तो फेसबुक पे जो पेज होता है उस पे आप वीडियोज बना के डालो तो आई गेस मोनेटाइजेशन का भी सीन होता है, और यूट्यूब पे भी होता है, लेकिन इंस्टाग्राम से आपका ये होता है सिर्फ ब्रांड कॉन्टेंट। आई गेस अभी शायद इंस्टाग्राम की भी मोनेटाइजेशन कहीं बाहर है, मैंने ऐसा कहीं देखा था बट यहाँ नहीं, अभी भी नहीं है। हाँ, हो जानी चाहिए अभी ना? हमें ये सीखनी पड़ेगी ये चीज़ें। हाँ, है ना। तुम्हें पहली अपनी कमाई याद है, जो पहली दफा हाथ में जी पैसे आए और मैं ऐसा क्या अपने? हाँ हाँ याद है। क्या कितने आए थे? 6,000। हाँ क्या किया था? मैंने जमा किए थे पैसे। जमा तो किए थे लेकिन क्या कहाँ से कमाए थे? वही टीचिंग। पूरे महीने काम करो और आपके हाथ में सिर्फ 6,000 आए। यार उस जमाने में तो सही है ना, उस जमाने में क्या ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018 की बात है। हाँ, कोविड से पहले तो इतनी, मतलब कोविड के बाद तो एकदम झटका खाया। तो भाई अब तो आप 6,000 में शायद एक दिन में भी पता नहीं चलता कहाँ चले जाएं, बहुत महंगाई होगी। लेकिन हाँ उस टाइम पे मैंने ऐसे किया था कि मैं करती थी कि 1,000 रुपये साइड पर रख दिए, 5,000 सेव कर लिया, फिर उस 1,000 रुपये पूरा महीना चलाती थी मैं कुछ ना कुछ करके। कंजूस वाकई हुई है आप? करना पड़ा और क्या करती। हाँ। मैं हूँ नहीं वैसे, मैं कंजूस नहीं। बचाती हूँ या हाथ में सुराख है? कुछ बीच का है, मतलब मैं शाखर्ज भी बहुत हूँ लेकिन मैं वो चीज़ तब तक खरीदती हूँ जब तक मेरे पास उसके दो बार पैसे ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी लेनी है, अगर 20 लाख की गाड़ी है तो वो तब तक मेरे पास 60 लाख या 40 लाख नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं लूँगी गाड़ी, कि मतलब उसको मैं दो बार खरीद सकूँ। क्या दो बार? समझे नहीं आप। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए ना तो मैं तब तक नहीं खरीदूंगी जब तक मेरे पास उसके दो बार खरीदने के पैसे ना। मतलब तुम डबल कहना चाहो? हाँ, लाइक डबल पैसे ना इनटू टू, वरना कोई पैसे ही है ना। 20 लाख पड़े हुए, अगर आपके पास 20 लाख की गाड़ी ले रही है आपका बैंक बैलेंस जीरो, तो एग्जैक्टली तो 20-40 तो होने चाहिए कि आप 20 लाख की गाड़ी खरीदो। दैट्स माय जस्ट अ थ्योरी कह सकते हैं। मेरी भी यही है। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा जी कुछ 10 रुपए चाहिए तो 10 रुपए जमा करो, खर्च करो, ऊपर पैसे बैठे रहे, वरना मैं बैठ के वेट करती हूँ जब तक उतने पैसे हो जाए फिर लूँ। ये जरा जो छोटी लड़कियां हैं वो
आज का इंटरव्यू ज़रूर नोट करें और लूप बना लें, ये चलाएं कि इस तरह जिंदगी गुजारी जाती है और इसी तरह सेंसिबल होना चाहिए. थैंक यू सो मच, अच्छा लगा तुमसे बात करके. बहुत अच्छा लगा बात, हमेशा कितनी गफूरी है ना, मज़ा आया मुझे इससे बात करके. सो पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम गुजर गया, लेकिन बेस्ट ऑफ लक. आपकी फिल्म अभी भी लगी है, मैं देखने जाऊंगी. सो आप लोग भी जाइए जॉन देखने, एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो ये था हमारा आज का शो. उम्मीद है आप इन लोगों से मिलकर खुश हुए होंगे और आपको एक सरप्राइज मिला होगा कि आज बड़े डिफरेंट सेलिब्रिटीज हमारे पास थे. दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जो आई है.